चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह। इस टॉपिक में इस चैप्टर ही बोलिए जो बोलना है, इसमें हम लोग नोटिंग नहीं करेंगे। फेयरली आप लोगों को नोटिंग किया हुआ प्रिंटआउट जो मिला हुआ है उसी से आप लोग इसको कवर करोगे, ठीक है? क्योंकि वैसे भी इससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आता है, ये हम कह सकते हैं ये हमारा बेसिक है जिसका डेरिवेटिव में इसका लिंक होगा, डेरिवेटिव में लिंक होगा, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ कवर करते हैं। तो हमें मेनली ये जानना है कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमें अगर कभी ट्रेड करना हुआ तो कैसे होगा, ये बस जनरल नॉलेज के लिए है और आने वाले चैप्टर का ये लिंकेज की वजह से। इसीलिए हम इस पर कोशिश करेंगे कि जो आपको ये प्रिंटआउट दिया हुआ उसी को मैं सारे अपने पास ओपन करके उसी से आपको कवर कराता जाऊँ, ठीक है? तो ये अपने पास रख लीजिएगा। अब सबसे पहले इसमें स्टॉक मार्केट के लिए एक डेफिनेशन पे आते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बोलते किसको है, ठीक है? मैं भी अपने पास ही ओपन कर लेता हूँ, जो आपको सीट दिया हूँ वो मेरे पास भी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लीजिए मैंने भी इसको ओपन कर लिया, थोड़ा सा पेज नंबर डालना भूल गया था, आप लोग पेज नंबरिंग कर लीजिएगा घर पे जाके आज, ठीक है? देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि एस यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन जो है SCRA 1956 में लिखा हुआ है। SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956 जो है उसमें बताया गया है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो आप वैसे बताइए, अगर कोई पूछे आपसे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो एक लेमैन के लैंग्वेज में, एक बेसिक जो होते हैं ना उसके लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे, स्टॉक मार्केट क्या होता है? बताइए थोड़ा जल्दी से, अगर कोई आपसे पूछे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है तो आप इसको, स्टॉक एक्सचेंज क्या है तो जुआ है, ग्रेट, एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया। किस चीज का प्लेटफॉर्म है? जहां पे कुछ, देखो नाम ही खुद बोल रहा है, एक्सचेंज यानी कि एक मार्केट है। वैसे देखो स्टॉक का मार्केट है ना, इसको कुछ लोग कैपिटल का मार्केट भी बोलते हैं, कैपिटल मार्केट है, यानी कि ऐसा एक मार्केट जहां पे कंपनी का मालिकाना हक खरीदा बेचा जाता है। इसको ऐसे सिंपली समझिए तो थोड़ा सा फीलिंग अच्छे वाले आएंगे, नहीं तो पहले ही वर्डिंग में क्या आता है, जुआ ही है। कोई पूछो स्टॉक मार्केट क्या है, जुआ है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बोले कि आज के रेट पे मैं तो फुल टाइम स्टॉक मार्केट में लगा हूँ तो समझ जाएगा ये, तो वो तो कोई भी कर सकता है, जुआड़ी बन चुका है ये, क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट खराब हो चुका है और खराब किया गया है ना? लेकिन वो मतलब नहीं है इसका। आज अगर हम बोले कि हर एक कंट्री का जो ग्रोथ होता है, जो जीडीपी जिसको कहते हो, ये फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे, स्टॉक मार्केट पे। ये इतना अच्छा चीज है, आज के रेट पे अगर किसी को लगता है कि जुआ है तो ये बंद करा के देख दो आप, किसको, सिर्फ स्टॉक मार्केट को पूरे के पूरे बंद ही कर दो, फिर उसके बाद देखिए कि आपकी इकोनॉमी का हालत क्या होता है। बता सकते हो कोई? इमेजिन करिए थोड़ा सा, आप एक चीज सोचिए, स्टॉक मार्केट आपको लिक्विडिटी देता है। आप एक चीज सोचिए, किसी के पास 10 लाख रुपए सरप्लस होगा, वो भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा अगर उनको लग रहा है कि 10 लाख मुझे, मेरे पास 5-6 महीने के लिए सरप्लस है। सोचो आपके पास 10 लाख रुपीज का सरप्लस है, वो 6 महीने के बाद यूज हो जाएगा, क्या कोई 6 महीने के लिए कोई बिजनेस शुरुआत कर लोगे आप? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे बताइए? क्योंकि सबको मालूम है कि बिजनेस जो हम करने जाते हैं वो लॉन्ग रन के लिए होता है। लेकिन अब आप सोचो ऐसे ही कि अगर आज के रेट पे एक मारुति कोई बिजनेस कर रहा है, मारुति एक कार मैन्युफैक्चर करके लोगों को बेचता है, क्या उसको कैपिटल की जरूरत है? जरूरत है या नहीं है? अगर मान लीजिए कोई इंसान ये कहता है कि हमारे पास तो बस 6 महीने के लिए सरप्लस फंड है, तो क्या मारुति जैसे एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है? लेकिन आप मारुति जैसे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद पैसे अपना विड्रॉ कर लीजिए, और 6 महीने बाद विड्रॉ करने का फैसिलिटी कौन देता है आपको? स्टॉक एक्सचेंज। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते, याद रखिएगा, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है उस कंपनी का जो मालिकाना हक आप जो खरीदते हो, वो मालिकाना हक खरीदने के लिए आपके पास अगर 1 महीने के लिए भी सरप्लस होता है तो आप उस मालिका मालिक बन जाते हो 1 महीने के लिए ही सही, और वो 1 महीने के लिए मालिक इसलिए बन जाते हो क्योंकि जब चाहो तब आप अपने पैसे को उसमें से निकाल सकते हो, किस बिजनेस में से, जिस बिजनेस में आपने पैसे लगाए, और 1 महीने के अंदर आपको बिजनेस से पैसे निकालने का
राइट कौन देता है या फैसिलिटी कौन देता है स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बुरा चीज़ नहीं है। बुरा हम जिस हर एक अच्छी चीज़ में क्या दिखता है आपको, बुराई, तो हम कहते उस बुराई को हम इग्नोर करके चलेंगे, है ना। चलिए वापस आते, हम अगर ये पूछे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो इसको डिफाइन किया गया है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956 में। वो क्या बोलता है मैं बता देता हूँ आपको एक लाइन में। ये कहते हैं कि आज के डेट पे स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ सिर्फ एक कंपनी हो सकता है, बॉडी कॉरपोरेट हो सकता है, जबकि ये पहले हुआ करता था एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन आप लोगों ने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, जैसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होते हैं वैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मतलब बोलते किसको हम, ये मान लीजिए आज हम लोग 10 लोग मिलके एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना के कोई भी काम करना शुरू कर दे, हम एक पर्सन जो है, बहुत सारे पर्सन एसोसिएट हुआ, इसको क्या बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है? नहीं। जैसे आप देखते हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। मान लीजिए मैंने आप एक इंडिविजुअल नाम से बिजनेस करना चाह रहा हूँ, क्या मुझे कहीं रजिस्ट्रेशन कराना है? कोई ऐसा एक्ट नहीं जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये क्या होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन काफी है। वैसे ही पहले क्या हुआ करता था, 10 लोग मिल गए और वो सब मिलके क्या करना शुरू कर दिए, एक प्लेटफॉर्म बना लिए और इस प्लेटफॉर्म में सब मिलके अपना बोली लगाना शुरू कर लिया। आप लोगों ने गुरु मूवी देखा होगा, देखा है, वहां देखते हो एक कमरे में सब लोग पहुंच जाते हैं और वहां 10 लोग मिलके सब लोग क्या करते हैं, हाथ हिला हिला के कुछ चीज बेचना शुरू कर देते हैं। वो बेचने वाले बेचने का बोली लगा रहा होता है, खरीदने वाले खरीदने का बोली लगाते हैं। वो तब की बात है जब इलेक्ट्रॉनिकली ये काम नहीं होता था और उस टाइम कोई एक कंपनी नहीं होते थे, ये सारे के सारे क्या होते थे, कुछ पर्सन मिलके काम करने लगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बाद में जाके गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इसको रेगुलेट करने वाले हमारा लॉ इफेक्टिव नहीं है, हमारा एक्ट इफेक्टिव नहीं है, तो गवर्नमेंट को लगा इसको बदलना चाहिए, इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए बताओ, इसको लोगों को लगा, कम गवर्नमेंट को लगा कि कन्वर्ट करना चाहिए किस में बताइए, कंपनी में। उससे क्या हो जाएगा बता सकते हो, क्योंकि कंपनी के लिए हमारे पास कंपनीज एक्ट है, उस कंपनीज एक्ट के तहत जब काम करेगा तो उसको हम अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पे रिटेलर को ज़्यादा लॉस कराता है ये लोग अपने तरीके से मिलके। किनको लगा? गवर्नमेंट को लगा कि हम इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती से हम लोग इसके साथ पेश आ सकते, कह सकते इसका अच्छे तरीके से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, इसके लिए हमें इसको कंपनी बनवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आता है, कहते हैं कि देखो आपका जो AOP है इसको बंद करिए। जैसे आप लोग देखते हो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होता है, पार्टनरशिप डिजॉल्व होता है, कंपनी लिक्विडेट होता है, बंद करना खत्म हो गए, वैसे ही AOP पहले क्या हुआ था, मिले थे, अब सब लोग क्या हो जाओ, डिवाइड हो जाओ, डीम्यूचुअलाइज करना, ठीक है, डीम्यूचुअलाइजेशन। अगर AOP को बंद किया जाए उसको कहते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन। एंड कॉर्पोराइजेशन, कॉर्पोरेट बनाना यानी कि कंपनी को बनाना, फॉर्म करना, इसको कॉर्पोराइजेशन कहते हैं। तो इसके बीच में ना एक स्कीम लिया लेके आया गया, कॉर्पोराइजेशन एंड सॉरी डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोराइजेशन, एक स्कीम गवर्नमेंट ने निकाला, डीम्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोराइजेशन स्कीम लेके आया, ठीक है जी। क्या बोला गवर्नमेंट ने कि आप अपने AOP को बंद करिए और आप कंपनी में कन्वर्ट करिए, क्योंकि वो जो एक्सचेंज रहेगा वो एक एंटिटी रहेगा, वो एक कंपनी रहेगा, तो अगर उस कंपनी के तहत अगर अंदर काम करेंगे एक्सचेंज को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग क्या कर सकते उसको अच्छे से गवर्न कर सकते, गवर्नमेंट को लगा। पहले बार ये स्कीम लेके आया गवर्नमेंट, किसी ने भी नहीं माना, बोलता है कि नहीं मानते जाओ हम तो AOP में ही रहेंगे, हम कंपनी नहीं बनाएंगे, गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं कर पाया। सेकेंड टाइम फिर ये स्कीम लेके आया, अगेन लोगों ने नहीं माना, जो भी AOP वगैरह थे नहीं मानता है, फिर से ये स्कीम क्या हो गया, दोबारा फेल हो गया। तीसरे बार फिर से लेके आया पी चिदम्बरम 1995 में या कौन सी टाइम पे, यानी कि उस टाइम पे जाके फिर से पी चिदम्बरम ने बोला कि थर्ड टाइम आया कि आप AOP बंद करो, कंपनी को बनाओ। कुछ लोगों को लग गया है खड़ूस बंदा है, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है परमिशन क्या कर दे, रद्द कर दे। दो ने मान लिया फटाफट, किसने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों को पहले ही दिख गया कि ये खड़ूस बंदा है, कुछ भी कर सकता है, तो ये दोनों ने क्या कर लिया, उस स्कीम के अंदर अपने AOP को बंद कर दिए और उसके बाद कंपनी में इसने कन्वर्ट करा लिए। आज के डेट पे ये दो जो कंपनी है ये उस स्कीम के अंदर कन्वर्ट किया गया है,
बाकी जो 22-23 और जो स्टॉक एक्सचेंज थे सबका परमिशन गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया। आज देखते होगे या आसफ अली रोड जो दरियागंज के आसपास अंदर जाओगे तो वहाँ दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिखेगा, आज के रेट पे वहाँ ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। समझ में आ गए, वहाँ ट्रेडिंग आपका नहीं हो रहा है। तो वही सेम चीज़ है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं एनएससी और बीएससी जो है डी म्यूचुअलाइजेशन एंड कॉर्पोरेशन स्कीम के अंदर बना हुआ एक कंपनी है। अब हम बात करते हैं आगे, यही हमने यहाँ पे लिख के दिया है कि बॉडी इंडिविजुअल हुआ करते थे इस स्कीम के पहले, और आज के रेट पे बॉडी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट है आफ्टर डी म्यूचुअलाइजेशन कॉर्पोरेशन स्कीम। इस एंटिटी का, ये जो एक कंपनी है, इसका एक ही काम है, याद रखिएगा, इसका काम क्या है कि दो लोगों को मिलन कराना। ये कभी भी आपके साथ ट्रेड नहीं करता, ये याद रखिएगा, ये दो लोगों को मिलवाता है। जैसे शादी डॉट कॉम क्या करता है, वो खुद शादी नहीं करने जाता है, ये चीज माइंड में सेट करिएगा। अभी आप हंस रहे हो, और खुद आपके जब टाइम आएंगे ना तो आप एनएससी को इन्वॉल्व करोगे, किसके लिए, बाई सेल करने के लिए, जैसे लगता है कि वो खुद ही शादी करने पहुंच गए। शादी डॉट कॉम खुद नहीं शादी करते, वो बस एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे दो लोगों को क्या करते हैं, मिलवाता है। एग्जैक्टली वही एनएससी का काम है। एनएससी खुद पार्टिसिपेट नहीं करते बाई सेल में, वो क्या कहता है, हम बायर को भी कहते कि आप भी आ जाओ, सेलर को कहते आप भी आ जाओ, बायर को बाई करना है, सेलर को सेल करना है, दोनों को मिलवाने वाले काम कौन करता है, एक्सचेंज। अब ये मिलवाने के लिए उसको जो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा वो सारे उसको ही देने का काम करते हैं। कौन करता है ये, एनएससी या बीएससी। आज के रेट पे इंडिया में दो पॉपुलर है, इसका एनएससी इंडिया डॉट कॉम, इसका बीएससी इंडिया डॉट कॉम। इसके अलावा जितने भी आपको वेबसाइट मिलते सारे थर्ड पार्टी है, याद रखिएगा। कुछ लोगों को तो आज के रेट पे यही नहीं पता है कि थर्ड पार्टी कौन है और पेरेंट्स कौन है, ये दोनों। यानी कि अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये बोला हमने फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग एंड रेगुलेटिंग बाय एंड सेल ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का बाई सेल के ट्रांजेक्शन को असिस्ट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए कौन बना है, यहाँ पे एक्सचेंज बना हुआ है। सिंपली वी कैन से स्टॉक एक्सचेंज अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटीज मीट्स फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज एनएससी हो गए, एनएससी इंडिया डॉट कॉम। करंटली अप्रॉक्सिमेटली 1900 स्टॉक आर लिस्टेड इन एनएससी। आज के रेट पे आप अगर देखोगे तो 1900 के आसपास कंपनी वहां ट्रेड होता है। मतलब क्या हो गया, देखिए हम कह रहे एक कंपनी बन गया एनएससी, अब ये एक प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म है जहां कोई चीज ट्रेड होता है, कुछ चीज को खरीदा बेचा जाता है। क्या खरीदा बेचा जाता है वहां पे, जिस कंपनी का शेयर खरीदा बेचा जाएगा वो कंपनी को हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप किसी मॉल में जाइए, यहाँ पे विथ्रियस मॉल में पहुंच गए और आप कहते हो मुझे आइसक्रीम बेचना है, ठीक है, क्या आप बेच सकते हो वहां पे? आप बोलोगे अरे वहां पे आइसक्रीम का मैं मार्जिन अच्छा खासा रख सकता हूँ मैं, तब भी यहाँ पे बिक जाएगा मेरा, क्या आप वहां पे आइसक्रीम बेच सकते हो? तो क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जो परमिशन लेना वाला चीज है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, लिस्टिंग कराना। जैसे मान लीजिए आप कहते हो रिलायंस का मुझे शेयर खरीदना है, तो रिलायंस का शेयर अगर इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होगा, अगर वहां पे जैसे मान लीजिए कोई चीज सर्च करने जाते हो, आज जाते हो अमेजन पे कोई सामान खरीदने, अमेजन पे जाके सामान आप सर्च करते हो, वही सामान डिस्प्ले होता है जो वहां पे कोई बेचने वाले अवेलेबल है। कोई बेचने वाले वहां अवेलेबल नहीं होगा तो क्या ऐसा सामान आपको मिलता है, कभी नहीं मिलता है। एग्जैक्टली वही सेम चीज है कि एनएससी के प्लेटफॉर्म पे जाके मैं कोई खरीदना या बेचना चाहूं तो क्या खरीद सकता हूं, क्या बेच सकता हूं, तो वो जिस कंपनी का लिस्टेड होगा वही कंपनी का शेयर खरीद बेच सकते हैं। वो कितना होगा बताइए, 1900 कंपनी का शेयर वहां पे खरीदा बेचा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अप्रोक्सीमेटली 5200 होगा, तो हमने यहाँ पे 5000 ही लिख के दिया होगा आपको। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अप्रोक्सीमेटली कितना चल रहा है, 5000। अब थोड़ा ध्यान से सोचिएगा इसका क्या मतलब होता है। हाँ जी बोलते चलिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी फिर कह रहा हूँ, और ऐसा भी ना हो कि फिर अब नहीं कुछ लिख रहे तो लगेगा कि लोरी सुना रहे कोई और सो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात, हाँ जी। बाकी मैं यहाँ से एक एक बार आपको रीड करते जाऊंगा तो आपको उसको रीड करने की भी जरूरत नहीं। हाँ थोड़ा सा अब कलरफुल बनाना है तो बना लीजिएगा, जैसे हमारे यहाँ कलर में चेंज है तो आपको तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट मिला है तो आप उसको कलरफुल बना सकते हो अपने तरफ से। वापस आते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी इंडिया डॉट कॉम हो गया, इसमें 5000 वेराइटी ट्रेड होता है। अगर देखने से क्या लगता है, एनएससी बड़ा या बीएससी बड़ा, बीएससी बड़ा, क्योंकि ज्यादा वेराइटीज कहाँ ट्रेड होता है, बीएससी में। बीएससी में आपको 5000 वेराइटीज मिलते हैं, एनएससी में आपको सिर्फ 1900 वेराइटीज मिलते हैं, मोटा मोटा 2000 वेराइटीज मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं बीएससी जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा मार्केट हो गया, उसमें ज्यादा वेराइटीज ट्रेड होते हैं।
बीएससी पुराना है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये बाद में बना है, ये नया है थोड़ा सा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब मार्केट में ना यहाँ पे कॉमोडिटी एक्सचेंज भी है, दो दो कॉमोडिटी एक्सचेंज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो कौन सी है? एक है एमसीएक्स और एक है एनसीडीएक्स, ठीक है। मैं एक बार सकल सूरत सबका दिखाते चलता हूँ, कैसे दिखते हैं ये लोग। ये देखिए, ये है एनएससी का सकल सूरत, ये नया प्लेटफॉर्म है, पुराना प्लेटफॉर्म ये हुआ करता था, ये इस तरीके का। अगर कभी आपको इस तरीके का स्क्रीन मिलता है, यानी कि ये पुराना हुआ करते थे, ये अभी माइग्रेट कर रहा है ये नए पे, अभी दोनों चल रहा है इसका, फिलहाल जो है ये दोनों चल रहा है। अभी जब आप बाई डिफॉल्ट जब NSEIndia.in लेते हो, NSEIndia.com, तो बाई डिफॉल्ट आपके नए वाले वेबसाइट खुल के आ रहे हैं, ये अभी ऑपरेशन में चल रहा है, यानी कि अभी इसमें बहुत सारे बग वगैरह है, तो इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, पुराने वाले को हटा के नए वाले नहीं लेके आए हैं, पुराने अभी चल रहा है, पुराने वाले को लेके आना है। तो यहाँ देख रहे हो टॉप में कर रहा है कि देखिए, वी यू आर ऑन द बीटा वर्जन ऑफ द NSE वेबसाइट, क्लिक हेयर टू एग्जिट एंड गो टू द अर्लियर वर्जन। पुराना वर्जन पे क्या है हमारा, यहाँ पे जाना चाहते हो, ये NSE का प्लेटफॉर्म दिखता है। कोई भी आप जाना किसी भी प्लेटफॉर्म में, आप भी कोई सामान सर्च करना हो यहाँ से मिल जाएगा आपको। मान लीजिए हम कहते हैं हमें तो रिलायंस का कोई शेयर खरीदना है, आप कहते हैं यहाँ पे डालिए रिलायंस लिखिए, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। ये देखो कहते हैं ये सब जो जो लिस्टेड होंगे उन सब का यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, हमने इस पर क्लिक कर दिया, ये सारे आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाना शुरू करेगा। बोलते हैं कि देखिए ये आपको 1570 रुपीज़ का ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको ट्रेड का इन्फॉर्मेशन जो है पिछले दिन का वो दिखेगा, क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है। डिलीवरी वाइज कुछ पोजिशन है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह वो देते हैं, आप उसको देख सकते हो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बीएससी इंडिया कैसे दिखते होंगे, तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, आप क्या लिख दीजिए, BSEIndia, BSEIndia.com। ये देखिए ये बीएससी का प्लेटफॉर्म है, बीएससी का पॉपुलर इंडेक्स, चलो इंडेक्स पे तो हम बाद में बात करेंगे। ये होगा यहाँ पे भी वही सेम चीज ट्रेड होता है, याद रखिएगा। क्या दो मार्केट है, एक अमेजन है एक फ्लिपकार्ट है, क्या सेम सामान दोनों प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है? एक इंसान को शादी करना है, शादी.com पे भी चला गया, दूसरा कौन सी है, जीवनसाथी.com पे भी चला गया, इवन ICICI पे भी चले जाओ, ICICI का भी तो आप लोगों ने देखा था, ठीक है। तो क्यों नहीं देखा था, हमने आपके सामने ही तो ओपन किया था, है ना जी। तो आप मुझे बताइए क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक ही इंसान रजिस्टर नहीं करा सकता है? करा सकता है ना, याद रखिएगा, करा सकता है। वही सेम चीज है, आप अगर रिलायंस के इंडस्ट्रीज की बात करोगे तो ये देखो, रिलायंस कैपिटल नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, ये रहो रिलायंस इंडस्ट्रीज, देखो यहाँ पे भी ट्रेड होता है इस प्लेटफॉर्म पे भी। क्या दोनों का प्राइस बदलता होगा, सेम प्राइस पे ट्रेड होता होगा? ये देखो 1571 पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हुआ, और ये हमारा NSE में कितने में ट्रेड हो रहा था जी, कहाँ गया, ये रहा देखो 1570.95 पे, 1570.95 पे ट्रेड हुआ, और इधर कितने देखे 1571 पे, कितने पैसे का डिफरेंस है, 5 पैसे का। तो हो सकता है क्योंकि दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ा बहुत का प्राइस का डिफरेंस आपको नजर आ सकता है। आप देखते हो अमेजन पे जाते हो फ्लिपकार्ट पे जाते हो, दोनों में क्या दिखता है डिफरेंस या नहीं होता है? होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक में 5,000 मिल रहा है और एक में 50,000 मिल रहा होगा, डिफरेंस जो होते बहुत छोटा सा होता है, 100 का डिफरेंस होते हैं, 100 में ही मिलेगा, कभी कभी रुपये में डिफरेंस होते हैं। तो वही सेम चीज है, यहाँ पे आपको 5 पैसे का डिफरेंस मिल रहे हैं, यही किसी दूसरे स्टॉक के प्राइस पे जाओगे तो आपको कोई और डिफरेंस मिलेगा। वैसे हमारा अगर ये तो था स्टॉक के लिए, ठीक है, ऐसे कॉमोडिटी के लिए भी एक्सचेंज होता है। यहाँ पे कॉमोडिटी का एक्सचेंज जो है MCXIndia.com, ये आपको MCX का प्लेटफॉर्म है, ये भी आपका एक एक्सचेंज है, यहाँ कॉमोडिटी ट्रेड होता है। आप बोलोगे कौन सी कॉमोडिटी ट्रेड होता है, ये रहा, मैं मार्केट डेटा पे क्लिक कर लिया, मार्केट वॉच पे, ये दिखा देगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या क्या ट्रेड होता है। ये देखिए, ये कहता है हमारे यहाँ क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, गोल्ड, सिल्वर, निकेल, नेचुरल गैस, सिल्वर, एम, ये एम जो होते हैं मिनी बताते हैं, वो लॉट साइज डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिल्वर आपको दिख रहा है, ये सिल्वर आपका आई थिंक 1 kg का प्राइस दिखा रहे हैं आपको, और इसका लॉट शायद 100 kg चलता है, यहाँ दिख जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बताएगा कि एक लॉट इसका कितने का चलता है, वॉल्यूम जो होते हैं ना लॉट में, नहीं नहीं एक मिनट, ट्रेडिंग यूनिट्स, 30 kg, एक बार में कितने ट्रेड होगा, 30 kg। तो इसको थोड़ा सा साइज क्या करा, छोटा किया था, वहां सिल्वर मिनी करके बताता है। जैसे गोल्ड में जाओगे, 1 kg गोल्ड एक बार में ट्रेड होता है, कितना छोटा हो गया है ना, तो कहते मिनी करना है आपको, तो मिनी के लिए 100 ग्राम एक बार में ट्रेड होगा आपका, 10 बार 10 के लिए, तो यानी कि 100 ग्राम ट्रेड कर लो या एक लॉट एक ट्रेड कर लो, तो वही वहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है, एक होगा सिल्वर और एक होगा सिल्वर एम, एम का मतलब कोई अलग सिल्वर नहीं है, वही सिल्वर, बस थोड़ा सा वहां साइज क्या है उसमें छोटा है।
तो ये हो गया आपका कौन सी मार्केट, कॉमोडिटी मार्केट का एमसीएक्स। ठीक है जी, अब देखिए यहीं पे हमने एनसीडीएक्स बोला है, एनसीडीएक्स भी है नेशनल कॉमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, ये दूसरा कॉमोडिटी एक्सचेंज है, ncdx.com। ऐसे ही इसका आपका इसका भी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, सॉरी इसका प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा, ncdex.com। हाँ जी खुल गया, ये देखो एनसीडीएक्स, यहाँ पे ज्यादातर जो होगा आपको एग्री कॉमोडिटी वगैरह जो होते हैं यहाँ पे ट्रेड होते हैं। कॉमोडिटी मार्केट के ओपन होने की टाइमिंग जो होती है रात के 11:30 बजे तक, रात के 11:30 बजे तक यहाँ ट्रेड होता है, जबकि वो मार्केट जो हमने अभी देखा है उसका 3:30, 4, दो अलग अलग टाइमिंग है, टाइमिंग के हम बाद में बात करेंगे। ये देख रहे हो किस रहे बाजरा इस रेट का, देखो सारे चीज़ यहाँ पर ट्रेड होते हैं, धनिया जीरा सब ट्रेड हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया, चार तरह के मार्केट हो गए, दो कॉमोडिटी, दो हमारा स्टॉक का। ठीक है चलिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले कुछ दो चार टर्म्स वगैरह मिलेंगे उसको हम पहले जान लेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि देखो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इवन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी बनाते क्यों हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कंपनी बनाते क्यों है तो आगे जितना भी कुछ पढ़ोगे सारे आपके लिए बेकार रहेगा। ओके तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिपॉजिटरी बताएंगे कोई मुझे, डिपॉजिटरी क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा सा डेफिनेशन पहले देखते जाते। जैसे हमने पहले स्टॉक एक्सचेंज देख लिया, तो अब पहले हम डिपॉजिटरी की बात कर लेते, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात कर लेंगे, फिर हम लोग एक अकाउंट भी खोल लेंगे, और तब उसके बाद चलेंगे ट्रेड करने के लिए, फिर सोचेंगे कि कंपनी क्या होता है, क्यों हम खरीदने जाते हैं, क्यों प्राइस बढ़ता है, क्यों प्राइस घटता है, उस तरीके से सीक्वेंस में बढ़ेंगे। अब बस मुझे ये बता दीजिए डिपॉजिटरी क्या होता है, और शांत शांत बैठने से कोई फायदा नहीं है, जानते हो तो बोलो जानते, नहीं जानते तो नहीं जानते, तो फिर मैं बताऊंगा ना, मैं हूं ना बताने के लिए यहां पे। हाँ जी नहीं पता, गुड, इसको कहते हैं ईमानदारी, नहीं पता नहीं पता। हाँ जी जो शेयर होल्ड करता है, सोचना पड़ेगा, जो डीमैट अकाउंट ओपन करवाता है, गुड, और कोई, चलो बाकी सब नहीं जानते। आपने कभी पैन कार्ड तो बनवाई होगा, कभी फॉर्म फिल किया होगा, नहीं किया, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? अच्छा ये सबको पता है कि NSDL, वो कौन है, वो कौन है, डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी है, समझ में आ गए। एक ऐसा एंटिटी जो सिक्योरिटीज का डेटाबेस, सिक्योरिटीज ही नहीं, कोई भी एक डेटा को होल्ड करके, यानी कि डेटाबेस को जो मेंटेन करता है हमारे लिए, वो कौन है, डिपॉजिटरी। जैसे पैन कार्ड का डेटाबेस जो आपका होल्ड करके रखता है, यानी कि उसका जो डेटाबेस मेंटेन करता है वो कौन है, NSDL। वैसे ही आज अगर आप मान के चलो, चलो रिलायंस की बात करते, करोड़ों शेयर होल्डर है, वो करोड़ों शेयर होल्डर कौन कौन है, उसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है आज के डेट पे, बताओ, रिलायंस, क्या रिलायंस ये काम करता है? रिलायंस को तो पता भी नहीं है कि उसके मालिक कौन है। हाँ इतना मालूम है कि 50% मालिक हुआ है, कौन, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी सिर्फ 50%, मोर देन, थोड़ा सा कम है अभी, 49 पॉइंट समथिंग% होगा, तो 49% के आसपास का मालिक है मुकेश अंबानी। 49% में कौन है, 1 करोड़ जो मान लीजिए कोई इन्वेस्टर, उस करोड़ों में कौन है उसको तो पता भी नहीं है। और यहाँ पे हर दिन बदलता है, हर दिन यहाँ पे करोड़ों लोग एंट्री लेते, करोड़ों लोग यहाँ पे निकलते, चलो करोड़ अगर ज्यादा हो गया तो लाख तो होगा ही होगा। तो आप मुझे बताइए इतना डेली बेसिस पे क्या रिलायंस मेंटेन करेगा इतना डिटेल? नहीं, ये कौन मेंटेन करता है, डिपॉजिटरी। तो याद रखिएगा इतना तो पता होना चाहिए आपको। और इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, एक है CDSL और एक है आपका NSDL, CDSL NSDL, क्लियर है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, सारा लिखा होगा उसमें, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस सुनते चलिए। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यानी कि ये आपको NSDL और CDSL आपको दो मिलेगा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, दो हो गया आपका। अब सबसे पहली बात, इस दोनों का एक ही काम होता है, सिक्योरिटीज का सारे डेटाबेस को मेंटेन करना। आप थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, अगर आप शेयर होल्डर हो, आपके पास किसी कंपनी का शेयर है,
तो क्या उसका रिकॉर्ड इस डिपॉजिटरी के पास होगा या नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा, याद रखिएगा। आज के डेट पे देखते हो, कुछ दिन पहले कार्वी का 2000 करोड़, मोटा मोटा 2000 करोड़ का फ्रॉड सामने आया है, ठीक है जी। क्या हुआ उसमें, है किसी को पता? अभी थोड़ा सा बस रिसेंट न्यूज है। बिल्कुल सही, कावी वालों ने क्या किया, अपने क्लाइंट के स्टॉक को गिरवी रख के बैंक से लोन ले लिया और वो पैसे ट्रांसफर कर दिए अपने के रियल्टी सेक्टर वाले कंपनी में। समझ में आ गई कुछ बात? तो ये बाद में जाके पता चला, अभी इन्वेस्टिगेशन में ही चल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ फाइंडिंग आते ही जा रहा है। आप मुझे बताइए, बिना परमिशन आपके शेयर एक ब्रोकर गिरवी रख रख कैसे सकता है? सबसे पहली बात, ये सब भी जानना पड़ेगा। और ये सब चीज तब आपको ज्यादा समझ आएगा जब ये छोटी छोटी बातें को आप समझ के चलोगे। याद रखिएगा, आप जब भी कोई शेयर खरीदते हो, जैसे आज मेरे पास कितना शेयर है, मैं इसका रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता हूं, मुझे जीरोधा से कोई लेना देना नहीं है, मुझे शेयर खान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे एडलवाइस से कोई लेना देना नहीं है। मेरा शेयर खान के डीमैट में भी है, क्योंकि वो लोग क्या है, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। डिपॉजिटरी आपसे कभी भी डील नहीं करता है, याद रखिएगा, डिपॉजिटरी आपसे डील नहीं करता है। जैसे आरबीआई कभी भी आपसे डील करता है? नहीं करता है। आपसे कौन डील करता है? आरबीआई का एजेंट। आरबीआई का एजेंट कौन है? कमर्शियल बैंक जो है आपका, वो आपसे डील करता है। लेकिन रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। एग्जैक्टली वैसे ही डिपॉजिटरी ने क्या किया, अब डिपॉजिटरी, अब आप ध्यान से रखिए, अगर आप किसी शेयर को होल्ड करना चाहते हो तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें शेयर होल्ड कर सकते हो, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डीमटेरियलाइज फॉर्म में शेयर होल्ड करने का परमिशन दिया जाए, ये होगा ना। तो इसका मतलब आपको अकाउंट कहाँ ओपन करना पड़ेगा? सीडीएसएल और एनएसडीएल में। वो कहते हैं हम आपसे डील नहीं करेंगे, वो आपसे डील नहीं करेंगे। उसने क्या किया पता है, एक एजेंट को अपॉइंट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो, पता ही नहीं है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये एक एजेंट है। किसका एजेंट है? डिपॉजिटरी का एजेंट है। इसको अपॉइंट कर दिया, जैसे कि जीरोधा की बात करते, ये एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। शेयर खान, ये कौन है? एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ये एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। एडलवाइज, ये आपका एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। जो जो डीमैट अकाउंट ओपन करके देता है वो सारे एजेंट है। किसका? डिपॉजिटरी का। कुछ लोगों को लगता है कि हमें तो एचडीएफसी बैंक ओपन करके देते हैं डीमैट अकाउंट, धोखे में मत जियो। समझ में आ गई बात? एचडीएफसी बैंक आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके नहीं दे रहा है। कौन डीमैट अकाउंट ओपन करके दे रहा है? एचडीएफसी सिक्योरिटीज। तो आप तो बोलो कि वो तो हमें वही देता है, वो सब एक ही है ना, उसी बिल्डिंग में आपको वो बैठा हुआ है एचडीएफसी बैंक, और उसी बिल्डिंग में कौन है? एचडीएफसी सिक्योरिटीज। क्या कहते हैं, मैन पावर वही है उसका। आपको कहते हैं हम डीमैट अकाउंट ओपन करके देते हैं, तो देखिएगा डीमैट अकाउंट का जब भी आपके पास अगर कोई स्लिप वगैरह आएगा, उसमें एचडीएफसी बैंक नहीं लिखा होगा, उसमें एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिखा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, वही ग्रुप कंपनीज है सारे, वही सारे ग्रुप कंपनीज है। एचडीएफसी का एक चीज नहीं है, आप देखोगे एचडीएफसी बैंक मिलेगा, ओनली एचडीएफसी मिलेगा, एचडीएफसी एएमसी मिलेगा, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लाइफ मिलेगा, एचडीएफसी कुछ और कहना चाह रहा था मैं, एएमसी म्यूचुअल फंड मिलेगा। अब आप मुझे बताइए एचडीएफसी सिक्योरिटीज कहाँ गया? एचडीएफसी सिक्योरिटी ये सारा क्या है बताइए? सब अलग अलग है, सबका मकसद अलग अलग है, सारे अलग अलग एंटिटी है। बस सामने आपको क्या दिखता है, सिर्फ एचडीएफसी, और आपको लगता है सब एचडीएफसी के साथ हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये सब ग्रुप है, एक सब अपने आप में मिल ग्रुप में है ये सब, लेकिन सबका मतलब ये अलग एंटिटी है। ये आपको इंश्योरेंस देता है और मिलेगा वहीं पे, बैंक में बैठे हो ना, बैंक मैनेजर आपको बोलेगा क्या पता है, एक इंश्योरेंस ले लो ना, एक इन्वेस्टमेंट कर दो ना। और इन्वेस्टमेंट जब करवाएगा तो कहीं ना कहीं वो रूट करने की कोशिश कर रहा होगा, किधर के थ्रू, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के थ्रू। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को जो मैनेज करता है वो एचडीएफसी एएमसी,
बोलो सर ये तो बहुत कुछ लिख दिया तो हमें पता ही नहीं, तो जब म्यूचुअल फंड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। सबका शेयर मिलता है यहाँ पे, ये देखो आप अगर इसी प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, सेम प्लेटफॉर्म पे, जैसे मान लीजिए हम चले गए यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे HDFC में AMC लिखता हूँ, ये देखो HDFC AMC, ये एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड के शेयर कहाँ लगेगा उसको मैनेज करता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक कंपनी है, इसका भी शेयर में आप मालिकाना हक खरीद सकते हो। HDFC NBFC है, HDFC बैंक तो ऑलरेडी हो गया, मैं कहता हूँ HDFC लाइफ लेना है मुझे, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है जी, ये इंश्योरेंस करवाता है, वही HDFC में बैठ के मैनेजर आपको बोलेगा लाइफ इंश्योरेंस करा लो, तो आपको क्या लगता है कि बैंक आपको लाइफ इंश्योरेंस करके दे रहा है, वो दूसरे एंटिटी में करके दे रहा है। वैसे ही HDFC सिक्योरिटीज जो है आपका, वो आपके एक एजेंट है, किसका एजेंट है, ये डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी का। तो आज के डेट पे अगर डीमैट अकाउंट आप ओपन करते हो तो HDFC बैंक में ओपन नहीं करते हो, कहाँ करते हो आप, HDFC सिक्योरिटीज में करते हो, ठीक है। वापस आते हैं, आप ये इस एजेंट से आप डील करते हो, ये आपको एक बैंक अकाउंट देता है, यानी कि एक अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं बोलते, एक अकाउंट देता है, उस अकाउंट में आप क्या करते हो, शेयर को होल्ड करते हो, किस फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, समझ में आ गया। तो डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में डिफरेंस पता चला तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, CDSL NSDL, दोनों कंपनी है, याद रखिएगा दोनों कंपनी है, और कंपनी है तो क्या शेयर भी ट्रेड होता होगा, याद रखना, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो आप उसका मालिक बन सकते हो। मैं कहता हूं मैं CDSL का मालिक बनना चाहता हूं, बन सकते हो, बन सकते हो, लिस्टेड है CDSL, लिस्टेड है NSDL, अभी लिस्टिंग नहीं हुआ है, NSDL का लिस्टिंग अभी होना बाकी है, बहुत दिनों से बोला हुआ है अभी तक हुआ नहीं है, CDSL लिस्ट हो चुका है, यानी कि आप अगर यहां पे जाके देखिए, लिखिए आप चाहो तो CDSL का शेयर खरीद सकते हो, देखो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इसका आप मालिकाना हक ले सकते हो, इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी एक कंपनी है, उसका भी आप शेयर खरीद सकते हो। बोलोगे कैसे, ये देखो यहाँ BSE लिखिए, आपको कहते हैं लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इक्विटी आपको मिल जाएगा, इसका मतलब जितने भी एंटिटी है वो हर एक एंटिटी का हम मालिकाना हक खरीद सकते हैं, यानी कि आज अगर आपको लगता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी है मैं इसका मालिक बनना चाहता हूं, तो आप ठीक है उसका शेयर खरीद लीजिए आप, तो उसका शेयर कहाँ खरीदने जाओगे, कहीं प्लेटफॉर्म पे तो बिकेगा ना, वो प्लेटफॉर्म कौन है हमारे लिए, NSE और BSE, तो BSE का शेयर अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं बिकेगा, ठीक है, BSE कंपनी है, कंपनी का आप मालिकाना हक खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो, लेकिन उसको खरीदने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, NSE पे जाना पड़ेगा। तो फिर कुछ लोग बोलेंगे NSE लिस्टेड है या नहीं है, NSE फिलहाल लिस्टेड नहीं है, याद रखिएगा NSE BSE MCX कंपनी है, MCX मिल जाएगा, MCX वो भी एक कंपनी है, क्योंकि कंपनी के बिना आज के रेट पे क्या कहते हैं एक्सचेंज हो नहीं सकता, तो MCX भी कंपनी है, MCX का शेयर भी मिल जाएगा। ध्यान से देखो आप जाओगे MCX का कम शेयर खरीदने, देखो दिख रहा है आपको मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आप बोलो कितने में खरीदेंगे, इसका प्राइस भी दिख जाएगा, ये देखो कहते हैं आपको 1148 रुपए में इसका मालिकाना हक खरीदना होगा। मान लीजिए कोई MCX का शेयर खरीदता है, ये क्या इंडिकेट करता है, आप MCX का मालिक बन चुके हो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब MCX में इतने लोग जो ट्रेड करते हैं, ये सारे लोग कोई ट्रेड करता है, क्या उसके कुछ कुछ पोर्शन कुछ चार्जेज लेता है, ये वो चार्जेस से जो कमाता होगा MCX उसका आप मालिक बन सकते हो, उसके आपका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिल जाएगा आपको। तो इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको लगता है MCX बहुत बढ़िया एक्सचेंज, इसमें बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो जाके उसका मालिक बन जाओ। मालिक कैसे बनोगे, अब प्लेटफॉर्म तो वही दो है, कौन कौन, NSE या BSE, तो दोनों पे चले जाइए, MCX का शेयर खरीद लिए, आपको लगता है ये NSDL जो है ना कभी लॉस नहीं कर सकता है ना, ये बढ़िया कंपनी है मुझे इसका मालिक बनना है, तो एक काम करिए NSE और BSE एक प्लेटफॉर्म है वहां जाइए और आप क्या करिए इस दोनों का कंपनी का शेयर खरीद लीजिए। लेकिन अभी NSDL लिस्टेड नहीं है एक्सचेंज में, NSE लिस्टेड नहीं है, ठीक है, NSE अभी लिस्टिंग नहीं हुआ है, इसका भी लिस्टिंग नहीं हुआ NSDL का, ठीक है, MCX ऑलरेडी लिस्टेड है, BSE ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे थोड़ा सा, कुछ कुछ तो समझ आ गया हो तो हम आगे बढ़े क्या। ये रहा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट होता है, हमने कुछ नाम दिया है, ICICI डायरेक्ट, ICICI बैंक में आप ये टी है जी, डायरेक्ट डायरेक्ट कल नहीं है, डायरेक्ट है ये ICICI डायरेक्ट, वैसे इसका नाम बदल के शायद ICICI सिक्योरिटीज कर दिया इसने भी, पहले ICICI डायरेक्ट के नाम से जाने जाते थे, अब ICICI सिक्योरिटीज सुनने को आता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं चलेगा। आप जाते हो ICICI बैंक में, वो कहता है डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, क्या कह रहा है वो, बैंक में अकाउंट ओपन करवाता है या अपने दूसरे एंटिटी में करवाता है,
दूसरे एंटिटी में करवाता है, जो कौन है, एजेंट है। किसका एजेंट है, किसका एजेंट है, बोल नहीं रहे हो आप लोग, डिपॉजिटरी का। कौन डिपॉजिटरी इंडिया में, दो दो, सीडीएसएल और एनएसडीएल। ठीक है, अब जैसे आज के डेट पे जब आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हो, तो जब साइन करते हो ना, जो फिजिकल फॉर्म भरते हो उसके लिए, वो देखिएगा वहां पे बहुत सारे जो साइन कराते हैं वो उसके आगे बीच बीच में सीडीएसएल सीडीएसएल लिखा होगा, क्योंकि जीरोधा जो आपको अकाउंट ओपन करके देता है वो सीडीएसएल के अंदर। समझ में आ गया बात। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जो आपको एनएसडीएल में अकाउंट ओपन करके देता है, और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है, ब्रोकर नहीं बोलेंगे उसको, डीपी बोलेंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे जीरोधा की बात करते हैं, शेयर खान या एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ये लोग एंटिटी एक है लेकिन कैपेसिटी बहुत सारे हैं। जैसे कहीं ना कहीं इस पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी इस पे अप्लाई होता है, क्योंकि आपके पैसे होल्ड करता है। मान लीजिए जैसे आज मैंने मेरे पास मेरे क्या कहते हैं 8 लाख रुपए जीरोधा वाले में अगर पैसे गायब कर दे, तो सोचो थोड़ा ध्यान से, वो मेरे कैश भी होल्ड करता है, तो जस्ट लाइक बैंक भी वो एक्ट करता है। मेरा शेयर भी होल्ड करता है, वो जस्ट लाइक डिपॉजिटरी पार्टी डीपी की तरह एक्ट करता है। और इतना ही नहीं, एनएससी तक पहुंचने का रास्ता भी देता है। अब वो एनएससी का भी एजेंट है, और एनएससी का एजेंट जो होता है ना, डीपी नहीं होता है, वो ब्रोकर होता है। इसका मतलब कोई अगर आपको ट्रेडिंग करवाता है तो एक कैपेसिटी पे नहीं, उसका बहुत सारे कैपेसिटी है। क्या क्या, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है इसीलिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके देते हैं, वो बैंक है इसीलिए आपका कैश होल्ड करता है, वो आपको ब्रोकर एक्सचेंज तक पहुंचने का रास्ता देता है, वो ब्रोकर है। समझ में आ गया। तो एनएससी का जो एजेंट है वो ब्रोकर है, डिपॉजिटरी का जो एजेंट है वो डीपी है। एक ही एंटिटी तीन चार कैपेसिटी के बेसिस पे वो काम करता है, और तब आपको एक एक पैकेज देता है, डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अलग चीज है, डीमैट अलग चीज है। कोई भी इंसान डीमैट अकाउंट ओपन करा के ट्रेड नहीं कर सकता है। यहाँ पे अनपढ़ लोग जो है 25,000 लेते हैं और कहते हैं डीमैट अकाउंट ओपन करा ले। समझ में आ गई बात। क्या डीमैट अकाउंट ओपन करा ले, डीमैट नहीं ओपन होते, डीमैट से कभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, याद रखना आप। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर होल्ड करने का ऑप्शन देता है, वो कभी ट्रेडिंग नहीं कराता आपको। ट्रेडिंग कौन कराता है, ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर आपको ऑप्शन देता है, और वो ब्रोकर वो होता है जो एनएससी से परमिशन लेता है, वो एनएससी का एजेंट है। समझ में आ गया। तो ब्रोकर आपको ट्रेडिंग अकाउंट देता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको डीमैट अकाउंट देता है। अब जब मान लीजिए ट्रेडिंग करोगे तो शेयर तो खरीदोगे, तो शेयर तो होल्ड करोगे, और शेयर होल्ड करने के लिए क्या चाहिए होगा आपको, डीमैट अकाउंट। कुछ लोग बोलेंगे क्या मान लीजिए मेरे पास डीमैट अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट है, तो क्या हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, इक्विटी नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विटी अगर ट्रेड करोगे तो क्या होगा, डिलीवरी आएगा, कहाँ रखोगे जब आपके पास रखने का अकाउंट ही नहीं है। तो समझ में आ गया। आप कहते हो कि नहीं मैं इक्विटी ट्रेड नहीं करता, मैं डिलीवरी नहीं लूंगा, तो हाँ तो फिर आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए, डीमैट अकाउंट ट्रेड ओपन मत करिए। लेकिन आज के डेट पे जितने भी आप अकाउंट ओपन करते हो उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो पैकेज होता है। ठीक है, पैकेज होता है जिसमें हर चीज होता है, इसलिए तो 25-30 साइन करके भेजते हैं हम लोग। समझ में आ गई बात। तो यही देखो, हमने यहीं पर लिखा है, ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। अब मैंने ब्रोकर की बात किया, ब्रोकर कौन है, एजेंट। किसका एजेंट, एक्सचेंज का, जिसको हम लोग ब्रोकर भी बोलते हैं, और ये हमें इट एक्ट्स एज इंटरमीडियरी बिटवीन एक्सचेंज एंड ट्रेडर, ट्रेडर के बीच में और एक्सचेंज के बीच में। जैसे हम ट्रेडर हो गए, हम एक्सचेंज में जाना चाहते, हम दोनों के बीच में एक इंटरमीडियरी के जैसे काम करता है कौन, ब्रोकर। यही सेम पार्टी ब्रोकर भी है ऊपर जो हमने लिखा है। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट क्या हो गया, बैंक अकाउंट बोलो या सीधा अकाउंट बोल सकते हो, इन विच वी कैन होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, यानी कि डिमेटलाइज फॉर्म में। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज ऑथराइज टू ओपन डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन ओपन करके देता है, ब्रोकर। ब्रोकर इज ऑथराइज टू ओपन ट्रेडिंग अकाउंट, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू प्लेस ऑर्डर इन एक्सचेंज। आप एनएससी में जाना चाहते हो ना, तो वहां तक पहुंचने के लिए, जैसे हमने अभी आपको देखो यहां पर दिखा दिया एनएससी, ध्यान से सुनिएगा, ये था हमारा एनएससी का प्लेटफॉर्म है ना। यहाँ अगर आप जैसे ट्रेड करने जाओगे, जैसे अभी देखिए, अब आपका ये, अब ये मार्केट डेप्थ दिख जाएगा अभी, अच्छा 9:15 से दिखेगा, ठीक है जी, अभी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जे देखिए, ये होता है बायर सेलर का भीड़ दिखेगा, आप यहाँ ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हो, आपको ऑप्शन ही नहीं देता यहाँ तक आने का। एनएससी ने क्या बोला है, आपको भी बाई सेल में पार्टिसिपेट करना है,
ढूंढ लो एजेंट को, एजेंट के थ्रू आना। मैं आपको रेगुलेट नहीं कर सकता, मैं आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करता, उसका जिम्मेदारी मैंने किसको दे दिया है, एजेंट को। वो एजेंट कौन है, ब्रोकर। तो ब्रोकर के टर्मिनल को यूज करके ही यहां तक ऑर्डर प्लेस होगा। इसका मतलब यहां आप कोई भी सामान, जैसे मान लीजिए रिलायंस को आज खरीदना चाहते हो, तो आपके पास एक ही चॉइस है, या तो शेर खान के पास जाओ, उसके प्लेटफॉर्म से यहां पहुंचो, जीरोधा के पास चले जाओ, उसके प्लेटफॉर्म को यूज करके एनएससी तक पहुंचो यहां तक, या आप एक काम करिए एडलवाइज में जाइए, उसका अकाउंट ओपन करिए, वहां से यहां तक पहुंचिए। इसका मतलब जितने भी बायर सेलर एनएससी में बैठा होता है, वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू आया होता है यहां पर। बात समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी सेगमेंट वी मस्ट हैव ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट। चलो, हमने बस अभी जो देखा उसमें दो तीन चीज, एक्सचेंज किसको कहते हैं, डिपॉजिटरी कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है, ब्रोकर कौन है, ये हो गया ना। और कभी भी सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और डीमैट अकाउंट ओपन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर सकता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वो किसके बिहाफ पे काम करता है, डिपॉजिटरी के बिहाफ पे। किसी को ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो वो कौन खोलेगा, ब्रोकर। वो किसके बिहाफ पे काम करता है, एक्सचेंज के बिहाफ पे। इसका मतलब अगर आपको ब्रोकर बनना है तो परमिशन किससे लेना पड़ेगा, एक्सचेंज से परमिशन लेना पड़ेगा आपको, एनएससी और बीएससी से परमिशन लेने पड़ेंगे, तब जाके आप कर सकते हो। अब उसको परमिशन लेने का बहुत सारे क्राइटेरिया है, एक एग्जाम पास करने होंगे, बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, उसको डिपॉजिट रखने पड़ेंगे, तब जाके आप ब्रोकर का फैसिलिटी ले सकते हो। अब आप देखिए, अब रहा हमें डीमैट ही नहीं ओपन करना है, डीमैट भी ओपन करना है क्योंकि मुझे शेयर भी होल्ड करना है, और मुझे ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करना है क्योंकि मुझे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और हम किसको चूज कर सकते हैं। टू ओपन ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट वी कैन अप्रोच एनी वन ऑफ फॉलोइंग ब्रोकर्स या डीपी। आपके पास बहुत सारे ब्रोकर है, जिसमें हमने बोला आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज भी मिलेंगे। बैंक के थ्रू जो भी जाता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तीन तरह का ब्रोकर मिलता है, ये पहले आप फाइंड आउट करिए। तीन तरह का ब्रोकर होगा, एक ब्रोकर जो बैंक के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि बैंकिंग वाले ब्रोकर, ठीक है जी, सर्विस ब्रोकर इन बैंक कैटेगरी, एक सर्विस ब्रोकर, एक डिस्काउंट ब्रोकर। तीन तरह का ब्रोकर होता है, ये आपको तीनों का अलग अलग फीचर्स है, ये आपको जानना जरूरी है। एक सर्विस ब्रोकर का मतलब क्या हो गया, वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड करता है। बोलोगे किस तरीके का सर्विसेज, वो आपको ये बताता है कि कौन सी शेयर खरीदना चाहिए, वो अपना रिसर्च रिपोर्ट के साथ आपके सामने आता है, और वो ये बताता है कि ये स्टॉक में अगर हम ट्रेडिंग मतलब पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा वेल्थ जो होगा बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। तो वो सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि हमें ये समझ नहीं आता है, उसका एग्जीक्यूटिव आएगा आपके घर पे, आपको सारा चीज़ समझा के, डेमो चला के, यानी कि आपको इवन आपको ट्रेडिंग करके दिखा के चला जाएगा, कौन, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन होता क्या है, महंगा होता है, थोड़ा सा क्या होगा वो आपका महंगा होगा। तो सर्विस पे भी दो हो गया, एक जो बैंक कैटेगरी में होता है, एक अदर देन बैंक कैटेगरी में होता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है शेयर खान, एडलवाइज, एंजल ब्रोकिंग का नाम सुना होगा, है ना, ये सर मोतीलाल ओसवाल, ये सब जो है आपका सर्विस ब्रोकर में आता है। इन लोगों का चार्जेज थोड़ा ज़्यादा है लेकिन सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। कुछ आता है डिस्काउंट ब्रोकर, जीरोधा, अप स्टॉक, ये सब जो है ये डिस्काउंट ब्रोकर है। ये क्या कहते हैं, हम सर्विस सर्विस नहीं देने वाले हम, आप बोलो कि अकाउंट ओपन करना है आ जाओ, वैसे तो आज के डेट पर अब ये लोग भी आने लग गए हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है, इसकी वजह से अब ये लोग भी आपके पास आके अकाउंट ओपन करके जो भी कुछ है सारे फैसिलिटी, जैसे मान लीजिए आपको अकाउंट ओपन करने में दिक्कत हो रही है, आप उसको बोलो कि मेरे किसी एग्जीक्यूटिव को भेजो, वो आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है आज के रेट पे। लेकिन जब तक इसका कंपटीशन थोड़ा कम था तो ये कुछ ज़्यादा ही भाव खाता था, किसी को नहीं भेजते थे, कौन, जीरोधा वाले, किसी को नहीं। अब थोड़ा सा अप स्टॉक आया है, 5 पैसा, कुछ दो तीन और भी आया है डिस्काउंट ब्रोकर वगैरह, तो थोड़ा सा कंपटीशन इसका भी बढ़ा है, तो अब थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सर्विसेज ये देने लग गए। तो ये लोग क्या कहते हैं, देखो हम सर्विसेज नहीं देंगे आपको, हम ये नहीं रिकमेंड करेंगे कि कौन सी शेयर में पैसे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बस हम आपको सस्ते चार्जेज रखेंगे, बहुत ही कम नॉमिनल फी पे आपको हम काम कराएंगे। यानी कि ये बहुत महंगा होगा बैंक कैटेगरी वाले, उससे थोड़ा सस्ता सर्विस होगा, बहुत सस्ता ब्रोकर जो होगा आपका ये डिस्काउंट ब्रोकर होगा, ठीक है। तो अब सस्ता है तो रिस्की भी होते हैं, मान सकते हो, है ना।
लोग पहले सस्ते ब्रोकर को इसलिए प्रिफर नहीं करते थे कि डूबने की चांसेस ज्यादा हो गया। मान लीजिए आपने शेयर खरीद लिया, जैसे आपने देखा भी कारवी वाले तो सस्ते नहीं थे, फिर भी डूब के भाग गया, है ना जी। तो इसमें क्या हुआ मैं बताता हूँ, सिंपल। ये डिस्काउंट ब्रोकर वाले ने किस मॉडल में काम करने आया, उसने क्या बोला कि हम आपको पैसे बहुत कम लेंगे, ब्रोकरेज के नाम पे ना के बराबर पैसे लेंगे, ठीक है। ब्रोकरेज क्या रखा उसने, बहुत ही लो। अब आपको मालूम है कि ब्रोकरेज लो लोगे तो फिर मेंटेन कैसे करोगे अपने आप को, मैनेज भी तो आपको करने पड़ेंगे। लेकिन इसने अपना प्लेटफॉर्म का इंटरफेस इतना अच्छा बना लिया, ब्रोकरेज लो रखा, मेन इसका इंटरफेस समझते हो ना, यूजर फ्रेंडली। जैसे आज आप बैंक ऑफ इंडिया का एक नेट बैंकिंग यूज कर लो और एक एक्सिस बैंक का, HDFC का नेट बैंकिंग यूज कर लो, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि यूजर फ्रेंडली क्या होता है। यानी कि यूजर इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया, इंटरफेस इतना अच्छा बनाया कि ना चाहते हुए पहले लोगों ने क्या लगा, लोगों को लगा कि अरे रिस्की होगा, तो लोग ट्रेडिंग करता था, पैसे होल्ड करता था सर्विस ब्रोकर के पास या बैंक के पास, लेकिन चार्ट एनालिसिस करने के लिए, चार्ट वगैरह देखने के लिए, उन सब के लिए प्लेटफॉर्म यूज करना शुरू किया किसका, जीरोधा वाले का। धीरे धीरे लोगों को भरोसा बढ़ता गया, लगा कि अरे छोड़ो ना, अब दो दो जगह, एक एक तरफ हम, जैसे मेरे भी केस में यही था, 1.5 साल तक तो मैं एनालिसिस किया जीरोधा पे, ट्रेड करता था शेयर खान पे, पैसे वही रखा होता था। अब वहां से पैसे निकालना, जैसे रूम चेंज करने वाले बात होती है ना, मान लीजिए किसी रेंट पे रहते हैं, अरे रूम शिफ्ट करना, रहने दो 1 साल और यहीं रह जाएंगे, नहीं जाना है कुछ, रेंट बढ़ा रहे बढ़ाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा सरदर्दी है। एग्जैक्टली सेम सरदर्दी आपको ब्रोकर चेंज करने में होगा, सारे पैसे रखे होंगे, इवन आपके पास इक्विटी होगा, अब इक्विटी को उसमें अकाउंट में से इस अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे, इतना झमेला है, रहने दो ठीक है, चलते उसी में, फिर बाद में जाके मैंने इसी में ज़्यादा शिफ्ट कर लिया। हो गया क्या, इसके इंटरफेस बढ़िया होने की वजह से धीरे 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 इसका पॉपुलैरिटी बढ़ता गया। अब क्या हुआ, इसका टेक्नोलॉजी उतना बढ़िया नहीं था, फिर उसका सर्वर जो है हैंग करना शुरू किया, ठीक है जी। अभी 2018 और 2019 में इसके पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट है, यानी कि इसने HDFC नंबर वन पे चल रहा था, HDFC सिक्योरिटीज, इसको पीछे छोड़ दिया 2018 में ही। आज के डेट पे 2019 में हाईएस्ट नंबर ऑफ जो एक्टिव ट्रेडर है वो आज के डेट पे जीरोधा के पास है। तो जबकि डिस्काउंट ब्रोकर के पास भी इतना सारा क्या कहते हैं क्लाइंट हो सकता है, ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, रिस्क के मारे ही नहीं सोच सकता था कि हमारा पैसे अगर मान लीजिए कल के डेट पे सुरक्षित नहीं है। अब मान लीजिए करोड़ों अकाउंट, आप करोड़ों रुपये रखते हो जीरोधा के अकाउंट में और जीरोधा फ्रॉड करके पैसे लेके भाग गया, तो बताओ हो सकता है। तो डर तो हर जगह होता है, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी लोगों को लगता है कि अब इतने नंबर ऑफ क्लाइंट है कि इतना रेवेन्यू वो जनरेट कर लेता होगा कि अब उसको कोई उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बीच बीच में कभी कभी तो 15 10 10 मिनट तक के लिए सर्वर हैंग करता था, और 10 मिनट किसी दिन सर्वर हैंग कर गया तो समझ जाओ लुट गया। कौन लुट गया, कुछ पार्टी लुटे, कुछ पार्टी बन भी गए, दोनों चीज़ होता है, समझ में आ गया, दोनों चीज़ होता है, सिर्फ लुटते ही नहीं है, दोनों चीज़ होता है। क्योंकि एक तरफ किसी ने कमा रहा होगा तो कोई गवा रहा होगा, तो कुछ पार्टी कमा रहा होगा, कुछ पार्टी गवा रहा होगा। लेकिन याद रखिएगा, टेक्निकल फेल होने की वजह से कोई भी अगर आपको लॉस होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो साइन कराता है, उस पर सब चीज़ उसका लिखा होता है, समझ में आ गया। बहुत सारे लोगों ने उस बीच में केस उस भी किया, ठीक है, बट कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसने करा रखा है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ठीक चल रहा है, ठीक है। पीछे जब एक बार पाकिस्तान ने हमला किया था, याद है, कुछ सर्जिकल स्ट्राइकल के बाद, इधर से इधर के स्ट्राइक के बाद अगले दिन 11 बजे के आसपास जब उधर से हमला हुआ था, अटैक हुआ था, उस टाइम पे इसका मार्केट जो है ना 15 मिनट के अंदर पूरा क्रैश किया था स्टॉक मार्केट। उस टाइम इसका सर्वर 15 मिनट के लिए बंद हो गया था। उस टाइम मैं भी था पड़ा हुआ उसमें, मैं भी फंसा था उसमें, क्योंकि मैंने भी एक पोजिशन ले रखा था, अब उससे एग्जिट ही नहीं कर पा रहे थे। बट मेरा पोजिशन डाउन साइड के लिए था, इसलिए मैं बच गया। मेरा पोजीशन डाउन साइड में लगा हुआ था और मार्केट क्रैश किया नीचे की तरफ, और उसका सर्वर क्या हो गया, हैंग कर गया। उसके बाद से 5 6 महीने तक हैंग नहीं किया था, अब भी कुछ दिन पहले, लेकिन उस टाइम पे तो NSE हैंग कर गया, ठीक है। अब NSE भी हैंग करता है ना, अब जैसे अभी कुछ दिन पहले, मुश्किल से मुझे लगता है 2 महीने हुआ होगा, 3:12 या 15 मिनट के आसपास, 17 मिनट के आसपास, 3:15 के आसपास NSE हैंग कर गया, फ्रीज हो गया। NSE में ही आप सारा डाटा अब खत्म हो गए। अब यहाँ दिक्कत ये होती है कि 3:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट में रस ज्यादा होता है, क्योंकि जितने लोगों ने दिन भर जो पोजीशन बनाया होता है ना, उसको हर हाल में वहां पे एग्जिट करना पड़ेगा,
और ये सिचुएशन एनएससी के सामने पहले बार आ गया, वैसे पहले एक बार और भी हुआ था, 11 बजे तक एनएससी नहीं चला था तो बीएससी पे लोग ट्रेड करता था, बीएससी में जाकर ट्रेड किया था। तो चलो स्टार्टिंग में हैंग करना तो समझ आता है, उसे क्या होगा बताइए, अगर स्टार्टिंग में सर्वर अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो आपने एंट्री नहीं लिया तो चलो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, और 3:15 में अगर आपका सर्विस, ये 3:29 पे ठीक हुआ था, 1 मिनट के लिए लास्ट में ठीक हुआ, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जिसने दिन भर में पोजिशन लिया अब उसको क्या करेंगे आप? अब तो आप कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रोकर तो दूर है, आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू जाओ आपका ऑर्डर एक्सक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि कौन नहीं वर्क कर रहा है, एनएससी खुद ही नहीं वर्क कर रहा है। अब उस टाइम पे बहुत सारे ओपिनियन सब लोगों ने लेके आया, बताओ अब इस केस में क्या होगा, बहुत सारे कस्टमर तो लूट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारे बिजनेस चैनल वाले अपना अपना रिकमेंडेशन देता था। फिर कुछ लोग आया कि देखो बीच में एक एक्ट में चेंज आ चुका है कि अगर आपका एनएससी सर्वर काम नहीं कर रहा है तो बीएससी पे जाके आप अपने आप को एग्जिट करिए, एक्सचेंज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको नेट ऑफ करके देगा, क्योंकि नेट ऑफ कैसे होता है, आपको शेयर लेना है और शेयर देना है दोनों चीज होता है, तो कहते हैं नेट ऑफ करा देंगे। तो आप एनएससी में खरीदे हो और एनएससी में कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप एक काम करिए, उस शेयर को कहाँ पे जाके बेच दीजिए, बीएससी में बेच दीजिए, उसका काम है वो नेट ऑफ कराएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, अब वो पता नहीं कैसे होगा। तो ये सब चीज होते रहते, उस टाइम मैं नहीं था मार्केट में तो मुझे उतना हाँ मैं इसलिए क्योंकि मैं ट्रेड किया नहीं था, ट्रेड लेने के लिए मैं एनालिसिस कर रहा था, क्योंकि मैं ज्यादातर जिस दिन ट्रेड करना होता है तो मैं 240 से मैं एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ, 240 से लेके 315 तक मैं चार्ट देखता हूँ, और फिर उसके बाद में पोजिशन लेने के लिए सोचता हूँ कि अब लास्ट के 15 मिनट पोजिशन लेना है अगले दिन के लिए, अगले दिन एग्जिट करता हूँ। तो जब मैं देख रहा हूँ तो सारे सारे पोजिशन जो है ना सब, मतलब एनएससी का प्राइस ही अपडेट नहीं हो रहा है, अब प्राइस नहीं अपडेट हो रहा है तो कैसे हो गया, फिर मैं जाके देखा दूसरी जगह, हो सकता है मेरा नेट ना चल रहा हो, फिर किसी और चला रहा हो, सब चल रहा है। फिर देखने गया वो टेलीग्राम वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे बच्चे भेजने लग गए क्या हो रहा है ये, तो एनएससी में हमारा ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं हाँ मेरा भी नहीं जा रहा है, तो वहाँ से आ जाता है, यानी कि इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप होने से एक फायदा हो जाता है कि मेरे जैसे और भी कोई होगा तो ग्रुप पे डाल देते, कहते हैं हाँ ये सब हो रहा है, तो उससे इन्फॉर्मेशन आ जाती, तो लगा कि अच्छा एनएससी। फिर जाके फटाफट बिजनेस चैनल पे गया तो बिजनेस चैनल पे वही चल रहा है, लो एनएससी काम नहीं कर रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जिस जिसका पोजीशन उसके साथ क्या होगा, अब क्या होगा, कहते हैं अब एक ही चीज़ होगा, सबको डिलीवरी में जाएगा, अब डिलीवरी में जाएगा अगले दिन सेटलमेंट होंगे, सेटलमेंट में जो लॉस गेन होगा सारे किसको फिर झेलना पड़ेगा। अब ये मैंने जो कुछ चाइनीज बोला होगा अभी आपको समझ नहीं आया होगा, इसलिए नहीं समझ आएगा कि वहां तक अभी आप पहुंचे नहीं हो। होता क्या है, आपने एक चीज शेयर बाई किया, ठीक है, 3:30 से पहले अगर आपने सेल कर दिया तो नेट ऑफ हो जाता है, आपका डिलीवरी में नहीं जाता है, ठीक है। और वो मार्जिन जो होते हैं वो मान लीजिए 100 रुपये के ट्रेड करने के लिए आप हो सकते 10 रुपये दिए होंगे, ठीक है। अब सेल कर ही नहीं पाए क्योंकि सर्वर क्या हो गया, डाउन हो गया, अब क्या करोगे, अब आपको बाई किए हो तो T+2 पे डिलीवरी लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और जिसने सेल किया वो डिलीवरी देना ही पड़ेगा, उसको शेयर है ही नहीं उसके पास, अब कैसे करेगा बताओ, नहीं सोचा आपने, हमने पहले सेल कर दिया, पहले सेल कर सकते नहीं कर सकते, छोड़ो अब थोड़ा थोड़ा से बहस किया था, आगे बढ़ते रहने दो, ठीक है। ये सब होते रहते हैं, तो याद रखिएगा कोई भी किसी भी टाइम सर्वर डाउन किसी का भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये तीन तरह कैटेगरी का अब ज्यादा हम बात नहीं करते। टू सेलेक्ट ब्रोकर कम डीपी वी हैव टू एनालाइज टू थिंग्स, दो चीज ध्यान रखना चाहिए, ब्रोकरेज कितना और सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कितना है, ठीक है। इन दोनों चीजों में मैंने कुछ आपको कंपैरिजन करा के दिया, फटाफट देखते चलिए। सर्विस ब्रोकर हो गया बैंक कैटेगरी वाले, सर्विस ब्रोकर हो गया अदर कैटेगरी, हो गया डिस्काउंट ब्रोकर, मैं मोटा मोटा आइडिया दे दिया आपको। देखो इक्विटी कोई इंट्राडे में ट्रेड करता है, इंट्राडे का मतलब क्या होता है, अभी खरीदा अभी बेचा, मैंने आज खरीदा आज ही बेच दिया, इसको कहते हैं इंट्राडे, ठीक है। अगर कोई इक्विटी का इंट्राडे ट्रेड करता है तो बैंक के कैटेगरी वाले जो होते हैं ना 0.05% का ब्रोकरेज लेता है आपसे, कितना जी 0.05%, बहुत बड़ा होता है। और अदर जो होते हैं सर्विस ब्रोकर 0.01% to 0.02%, बोलोगे किसका, जैसे मान लीजिए 1 लाख का ट्रेड करते हो तो 1 लाख पे आपको 5 रुपये का, 1 लाख पे मल्टीप्लाई बाय 0.05%, 50 रुपये का ब्रोकरेज लेके चला जाएगा, कौन, बैंक। अदर ब्रोकर में आइए, देखिए आप इसमें 1 लाख का ट्रेड करते हो तो 0.01%, 10 रुपये का ब्रोकरेज लेगा। डिस्काउंट ब्रोकर क्या कहता है कि 0.01% और ₹20 व्हिच एवर इज लोअर लूंगा। अप स्टॉक वाले का भी ब्रोकरेज सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो इंटरफेस मैंने नहीं देखा है उसका, अप स्टॉक वाले का बहुत बार कॉल करते रहते हैं, इतना टाइम होता नहीं कि देखूंगा तुम्हारा प्लेटफॉर्म, जब तक ठीक चल रहा है चल रहा है, जब दिक्कत होगी तो सोच लेंगे, है ना जी। तो अब देखिए इसमें, अब इसमें क्या होता है 0.01% और ₹20 व्हिच एवर इज लोअर। जैसे अभी के केस में किसी ने 1 लाख का ट्रेड किया, 0.01% होता है 10 रुपये, तो 20 रुपये से छोटा है ना, तो कितना लेगा आपको, 10 रुपये। बट कुछ ब्रोकर ऐसे भी आया है जैसे 5 पैसा भी है कोई,
वो 5 पैसे वाले क्या कहता है, हम फ्लैट लेंगे आपको 20 रुपये, फ्लैट लेंगे 20 रुपये। फिर क्या दिक्कत हो गई पता है आपको, जो छोटे छोटे हजार हजार 10-10 हजार में जो सीखने वाले आपके जैसे बंदे हैं, ठीक है, वो लुट जाएगा उसी में, ब्रोकरेज में ही लुट जाएगा, ठीक है। तो नहीं, जैसे कुछ पिछले बैच वाले ने, सर 5 पैसे वाले तो बहुत अच्छा है, वो बहुत और सस्ता फ्री, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लेता। यहाँ दिक्कत तो क्या हो जाता है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो 300 रुपये है ना इनिशियल, उसमें भी कुछ लोग लुट जाते हैं। बोलो कैसे, अच्छा ये ब्रोकर मुझे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लेता है, 300 रुपये नहीं लिया ना, उसके अलावा उसके साथ अब क्या चला गया, लेकिन उसने कितना ब्रोकरेज लेता था, वो फ्लैट 15 रुपये था शायद, 15 या 20 रुपये फ्लैट था उसका। तो अब मुझे बताओ, अगर 1000 का भी ट्रेड किया तो कितना लेके गया, 15। लेकिन 1000 रुपये का अगर आपने ट्रेड किया मल्टीप्लाई 0.01%, इसका ब्रोकरेज होना चाहिए था 10 पैसे, लेकिन आपका कितना लेके गया, 15 या 20 रुपये। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये दोनों में से जो लोअर होगा, इक्विटी का अगर डिलीवरी लोगे तो याद रखिएगा, जैसे 1 लाख का शेयर खरीद के अगर डिलीवरी लेते हो बैंक में, मान लीजिए HDFC सिक्योरिटी के थ्रू गया, 1 लाख का शेयर खरीद लिया और डीमैट अकाउंट में शेयर लाए अगर आप, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 0.5%, आपको 500 रुपये का ब्रोकरेज लेके चला जाएगा, कौन, बैंक। ये लोग कहते हैं कि 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक लूंगा, ये कहता है नहीं लूंगा जाओ। यही इसका मेजर पॉइंट था जो हाईलाइट में आया था, याद रखिएगा, जो ये जीरोधा जो स्टार्टिंग से ही जो हाईलाइट में आए वो सीधा यहीं से, और इसीलिए लोगों ने इस पे भरोसा नहीं किया स्टार्टिंग में। भरोसा क्यों नहीं किया, आप डिलीवरी कराते हो फ्री में, जिसके यहाँ 500 और 200 रुपये या 100 रुपये लेते हैं, वहां पे आप क्या कर रहे हो, फ्री करा रहे हो, 1 लाख के शेयर पे आपको कुछ भी पैसे नहीं ले रहे हो, अपने आप को मेंटेन कैसे करोगे, सबसे पहली बात ये हो गई। तो इसीलिए लोगों ने स्टार्टिंग में भरोसा नहीं किया, और बाद में जब इसने, अब तो 2011, अब तो 8, 9, 10 साल होने जा रहे हैं इसको, तो अब तक जब मेंटेन कर लिया तो आगे भी तो मेंटेन कर ही लेंगे, और आज तो अच्छे खासे बढ़िया प्रॉफिट में चल रहा है, समथिंग 1000 करोड़ का जीरोधा वाले। तो अब जब पर प्रॉफिट में चल रहा है तो अब थोड़ा सा लोगों को भरोसा हो गया कि अब डूबने वाले ये नहीं है। चलो वापस आते, फ्यूचर के बाद केस भी यही है, ये सब आप पढ़ते रहिएगा, जब मेरा जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको इस सब पे ब्रोकरेज वगैरह पे बाद बाद में ट्रेड करके मैं दिखाता रहूंगा। आइएगा ओपनिंग फी की मैं बता दूं क्या होता है। हाँ एक बार कॉल पुट के लिए बता देता हूँ, कॉल पुट अलग चीज़ होते हैं, उसमें लॉट वाइज चलता है ट्रेडिंग। तो इसमें जो होता है बैंक वगैरह जो होते हैं 100 रुपये पर लॉट लेता है, ये लोग जो होते हैं सर्विस ब्रोकर वाले 3200 रुपीज़ पर लॉट लेते हैं, ये पर ट्रेड लेता है, जीरोधा वाले और अपस्टॉक दोनों जो होते हैं 20 रुपीज़ पर ट्रेड। मतलब समझ में आता है, एक बार में अगर मान लीजिए 10 लॉट लिया मैंने, 10 लॉट का मतलब मोटा मोटा हो जाएगा आपका 1 करोड़, 1 करोड़ का हो जाएगा निफ्टी। निफ्टी आज निफ्टी कितने पे जा रही है, निफ्टी बेचना भी है ना मुझे, 73 अभी बहुत नीचे है, ठीक है कोई बात नहीं, वापस आते तो 350 के आसपास निफ्टी को बेचना है, यही 10 लॉट बेचेंगे, ठीक है। 10 लॉट पे कितना हो गया, मान लीजिए हमने 10 लॉट बेचा, तो 10 लॉट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, 1 लॉट का मोटा मोटा आपका 10 लाख होता है, तो 10 लॉट पे कितना हो गया, 1 करोड़। 1 करोड़ के ट्रेड पे भी वो कितना ब्रोकरेज लेगा, 20 रुपये, या 50 लाख भी करोगे तो कितना लेगा आपसे, 20 रुपये। और अगर 1 लाख का ट्रेड होगा तो, वैसे फ्यूचर और कॉल पुट में जो होते हैं ना, फ्यूचर वगैरह में 10-5 लाख से नीचे का ट्रेड जाता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है, तो कुछ ब्रोकरेज ये सब एनालिसिस करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। ओपनिंग फी बैंक वाले का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने कभी ओपन नहीं कराया है, मे बी फ्री, वो कहते हैं कि हम लोग फ्री देते हैं, इवन आप लोग को कुछ 600-700 रुपये ले लेते हैं स्टार्टिंग में, और कहते हैं मैं आपको 6 महीने तक का ब्रोकरेज फ्री कर दूंगा, इस तरीके का कुछ ऑफर देते रहते हैं। सर अलग अलग ऑफर है, वो निगोशिएशन पर डिपेंड करता है। सर्विस ब्रोकर वगैरह कोई ओपनिंग चार्जेज नहीं लेता है, ये डिस्काउंट ब्रोकर वाले में भी शायद आप स्टॉक वाले ओपनिंग चार्जेस शायद नहीं लेते हैं, ठीक है। जीरोधा वाले आपसे लेते हैं, पहले 300 रुपीज़ लेता था इक्विटी और करेंसी का, आज शायद 200 रुपये ले रहे हैं आपको ऑनलाइन वाले के लिए, ठीक है। जो ऑफलाइन करेगा उसका बढ़ा दिया है, 500 से 600 कर दिया है। AMC जो होते हैं 250 नहीं, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 350 है AMC जो होता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो यही नहीं लेता है, वो सब लोग लेते हैं। बैंक कितना लेता है मेरे पास आइडिया नहीं है, मैंने बैंक में कभी भी अकाउंट ओपन नहीं किया, जिसका आइडिया ना उस पर बहस करना ठीक नहीं है। ये अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये लेता है ये सब, और ये जो लेते हैं ये भी 350 रुपये। ये चार्जेस जो होते हैं ब्रोकर का नहीं होता है, AMC जो होता है वो किसका होता है, एनुअल मेंटेनेंस किसका होता है, डिपॉजिटरी का होता है। इसमें कुछ चीज़ जो होता है NSDL CDSL का होता है, क्योंकि कहते हैं को आपके जिले जो हम सर्विसेज देते हैं ना, कौन, CDSL और NSDL, वो कहते हैं हमें भी तो कुछ चाहिए, तो
तो वो कौन को देते हैं, उन लोगों को जाता है। इसमें से कुछ ये लोग भी रखते हैं, कुछ वो लोग के, ये तो NSDL का ही है आई थिंक, CDSL का ही, शायद 300 या 350 है, तो वो लोग लेके जाते हैं। ठीक है, किसमें, ब्रोकरेज कंपनी के लिए। कभी ब्रोकरेज बनने का मूड नहीं था इसलिए रिसर्च किया नहीं। इनका कहना यह है कि ब्रोकर बनने के लिए कितना, हाँ नेपाल में सोचा था कि मैं ब्रोकर बन जाता हूँ, ठीक है, तो वहां पे करोड़ों में नहीं मिलता है क्योंकि एक्सचेंज ब्रोकरेज ब्रोकर बनने के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। समझ में आ गया, यहाँ बनने का उपाय मतलब को मूड नहीं था क्योंकि यहाँ तो बहुत पीछे रहेंगे, हमें जानेगा भी नहीं जानेगा। लेकिन नेपाल में अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ, इवन अभी आज के डेट पे ऑनलाइन ट्रेडिंग भी नहीं होता है वहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, वहाँ पे सिर्फ ब्रोकर ही ऑर्डर प्लेस करता है। ऑनलाइन है भी तो किसके लिए है, वो अभी सिर्फ ब्रोकर के लिए ऑनलाइन है, कस्टमर के लिए ऑनलाइन नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो वो वहाँ पे इनिशियल फेज़ है और इतना सारा चीज़ जानते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे हम जीरोधा जैसे हम अपने आप को वहाँ पे स्टैब्लिश कर ले, है ना जी, जैसे मेरा मूड बना। हमने पीछे इंक्वायरी किया कि चलो एक ब्रोकरेज वाले परमिशन जो होते हैं हम परमिशन ले लेते, बाद में देखा जाएगा। वहाँ पे पता चला कि ब्रोकरेज का परमिशन दे ही नहीं रहा है कौन, एक्सचेंज, एक्सचेंज परमिशन दे ही नहीं रहा है। टोटल 50 ब्रोकर है, उसमें से दो दो ब्रांच करा के टोटल 60 ब्रोकर है, वही अपने आप में ट्रेड करते हैं। और अगर पुराने ब्रोकर से आप अपने ब्रोकरेज का परमिशन लेने जाओगे तो करोड़ों में भी नहीं बेच रहे वो लोग। समझ में आ गई बात, तो ये चीज़ है। तो जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ रिसर्च करते हैं, यहाँ पे मैंने रिसर्च नहीं किया, मुझे नहीं मालूम, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप रिसर्च करोगे आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, झूठ बोलने से ज़्यादा अच्छा है सच में बोल दो कि हमें नहीं मालूम तो नहीं मालूम। ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को हर चीज़ पता होता ही है, जो चीज़ हम जानने की कोशिश करते वो पता होता है, जो चीज़ जानने की कोशिश नहीं करते वो पता नहीं होता है। बढ़े आगे हम लोग अब, हाँ जी, 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ से नीचे ही हो जाएगा, जरूरत उतना भी जरूरत नहीं आज के रेट पे, 1 करोड़ की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, एक तो सबसे पहले आपको कुछ एग्जामिनेशन होते हैं उसको पास करने पड़ेंगे, और कुछ आपको कुछ डिपॉजिट रखने होते हैं उनको एक्सचेंज के पास, 50-60 लाख, 50 लाख से नीचे में ही हो जाएगा आपका, इतना मुझे मालूम है। ठीक है, उतने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चलो वापस आते, डॉक्यूमेंट्स अगर आपको मालूम है, पैन कार्ड होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आधार होनी चाहिए, ठीक है जी, एक फोटो होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों जो है ना डेरिवेटिव सेगमेंट है, फ्यूचर एंड कॉल पुट जो है वो डेरिवेटिव सेगमेंट है, उसमें ट्रेड करने के लिए आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, जो कि 6 मंथ का इनकम प्रूफ टू एक्टिवेट डेरिवेटिव सेगमेंट। किसी ने अगर इनकम प्रूफ नहीं दिया है, जैसे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और आपने अगर ITR नहीं दिया है, तो उस केस में आपका जो क्या कहते हैं अकाउंट ओपन हो जाएगा, इक्विटी के लिए होगा, आप इक्विटी ट्रेड कर सकते हो, कॉल पुट या फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते हो आप। उसको ट्रेडिंग करना है तो फिर उसी अकाउंट में आप एक काम करना है, आपको बाद में इनकम प्रूफ दे देना है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका अकाउंट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होता है या ITR देना होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स था। अब यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो अब हम बढ़ते आगे मुद्दे की बातों पर, अब हम लॉजिक के साथ आगे बढ़ते। ये प्रोसीजरल पार्ट था, ठीक है जी, प्रोसीजरल पार्ट था कि एक्सचेंज कौन होता है, डिपॉजिटरी कौन होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है, ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर हमसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेता है, क्यों अकाउंट ओपन करता है, ये इसमें इवन आपको कैंसिल चेक भी लेता है। कुछ लोग कहते हैं सर कैंसिल चेक नहीं है, कैसे होगा, बैंक स्टेटमेंट से हो जाएगा, ये क्यों लेता है सोचने की बात है। इसलिए क्योंकि आप देखिएगा, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो आपको पूछने नहीं आएगा कि डिविडेंड किस अकाउंट में लेना है। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, बिना बैंक अकाउंट कभी भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि कंपनी जब कभी भी कुछ भी चीज़ अगर डिक्लेयर डिविडेंड पे करेगा तो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आता है। तो इसीलिए जब आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो तो हर एक डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट से लिंक होता है, और वो बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आपसे वो लोग कैंसिल चेक लेता है। समझ में आ गई बात। और जैसे सर्विस ब्रोकर वगैरह है, सर्विस ब्रोकर वगैरह कैंसिल चेक पे अकाउंट भी ओपन नहीं करता है। जैसे जब तक जीरोधा नहीं था तब तक हमारे पास जितने भी बच्चे आते थे, जो भी अकाउंट ओपन करते थे शेयर खान में करते थे, क्योंकि मैं शेयर खान में ट्रेड करता था, मैं यहाँ प्लेटफॉर्म जो दिखाता था शेयर खान वाले दिखाता था। शेयर खान वाले 5,000 से नीचे के चेक पे अकाउंट ओपन नहीं करता था। आपको इनिशियली कितना देना पड़ेगा, 5,000, वो आपके पैसे, आप उसको यूज करिए, विड्रॉ कर लीजिए, बात अलग है, लेकिन इनिशियली कितना देना पड़ेगा आपको, 5,000 रुपये। आज के डेट पे जो है ये डिस्काउंट ब्रोकर वगैरह बिना पैसे के आपका अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने अकाउंट ओपन कर लिया, अभी पैसे नहीं दिया था, तो जिस टाइम आप अकाउंट में पैसे डालोगे ना ट्रेड करने के लिए, उसमें से 300 रुपये क्या करेगा, वो डिडक्ट कर लेगा। उसमें एक और सेगमेंट आता है कॉमोडिटी सेगमेंट, कॉमोडिटी सेगमेंट आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। समझ में आ गए, क्योंकि आप यहाँ पे कमाने के लिए भी ट्रेड अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, सीखने के लिए। जब सीखने की बात होगी तो रात को 11 बजे तक अगर मान लीजिए कोई अकाउंट ओपन हो रहा है, चल रहा है, और आपको अगर लत लग गया तो रात को 11 बजे तक यही काम कर रहे होगे। समझ में आ गए, दिन भर यही करते रहोगे। इसलिए मेरा अपना रिकमेंडेशन है, कमोडिटी वगैरह में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, इक्विटी में आप ट्रेड करके सीख लीजिए, और अकाउंट को क्या कर दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, 300-350 रुपये लगता रहेगा साल का, लगने दीजिए। ठीक
ठीक है, बाद में जब आप क्वालिफाई कर जाओगे, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे, उस टाइम जाके आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर लेना है। कोशिश करना है मार्केट को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करें, ना कि ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें। समझ में आ गया? वो क्या होता है इन्वेस्टमेंट, क्या होता है ट्रेडिंग, ये सब मैं आपको धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कुछ लोग मान ये भी सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम लोग कैरियर बनाएंगे। याद रखिएगा, मेरा अपना ओपिनियन है, स्टॉक मार्केट में कैरियर जो बनते हैं वो ट्रेड करके नहीं, लोगों को सिखा के बनाया जाता है, जो मेरा अपना मानना है। ठीक है जी, वो इसलिए हाँ, खुद का ट्रेड करके कैरियर बनाने वाले बहुत कम ही होंगे, राकेश झुंझुन वाले जैसे लोग कुछ ही लोग होंगे जो अपना इन्वेस्ट, वो भी क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि वो बैठ के डेली बेसिस पे ट्रेड करता है। डेली बेसिस ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, जो मेरा अपना ओपिनियन है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको टाइम वेस्ट होगा, और कभी भी मार्केट में जब पैसे लगाने हैं तो ओनली सरप्लस फंड, ओनली सरप्लस फंड। कुछ लोग ऐसे भी दिखते हैं, लोन लेके जाते हैं मार्केट में करोड़पति बनने रातों रात। करोड़पति बनेगा नहीं बनेगा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन रोड पे जरूर आ जाएगा। उसके बाद जीने का जो एक वो होते ना, चाह भी खत्म हो जाता है कि अब जी क्यों रहे हम। इस तरीके के सिचुएशन में पहुंचने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। ठीक है, इसीलिए ये सब बातों को ध्यान रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको सीखना है, ताकि हम आने वाले क्वेश्चंस वगैरह को अच्छे तरीके से जान पाए। और किसी को अगर कहीं पे भी इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर डिस्कशन हो, तो हमारे पास इतना नॉलेज हो। अब हम आगे बढ़ते, बहुत हो गई बातें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बच्चों वाले लेवल पे चलते। बोलो कौन सी बच्चे वाले लेवल, जो कि आपको सीपीटी लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे, जब आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए एंट्री लिया होगा, सीएमए करने के लिए आपने एंट्री लिया होगा, उस टाइम आपको टीचर ने बताया होगा कि कंपनी क्यों बनाया जाता है ना? तो बता सकते हो, मैं अभी आपको पूछना चाहूंगा कि कंपनी क्यों बनते हैं, बता सकते हैं कोई? देखते हैं कितना आप लोगों को आता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है जी, मैं पब्लिक कंपनी की बात करता हूँ। दो तरह का कंपनी होते हैं, हाँ जी, दो तरह का कंपनी होते हैं। मैं पब्लिक कंपनी की बात करता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए, हाँ जी, औकात की बात है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ से पढ़ के तो नहीं बता रहे हो? देखो, गलत बातें चीटिंग मत किया करो। अभी आप देखो, आप चलो, एक ने तो बोला कि फंड रेज करने के लिए, कुछ लोग यहाँ पे होता कहता कि सर बिजनेस करने के लिए, सर प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेस करने के लिए कंपनी की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी की जरूरत नहीं है। कंपनी में जाओगे, कमाओ ना कमाओ 30% दे के आओ। चलो, अब 30 तो नहीं बोल सकते, 22, चलो इफेक्टिवली तो ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग तो मोटा मोटा बात करते हैं, 25 बोल सकते हैं, क्योंकि वो सब डालोगे, सरचार्ज उरचार्ज एजुकेशन से तो सब पहुंच ही जाएगा वहां पे। चलो 25 हम मान के चलते। यानी कि अगर आप कंपनी के थ्रू काम करोगे तो कमाओ या ना कमाओ, हर हाल में 10 रुपये भी कमाओ तो कितना देना है, 25%। अरे इंडिविजुअल नाम पे कर लेते, कम से कम सैलरी का बेनिफिट तो मिल जाता, हाँ या ना? कुछ लिमिट तक फ्री होता, फिर उसके बाद 5% देते, फिर उसके बाद 20% देते, फिर उसके बाद 30%। कुछ तो फायदा होता या नहीं होता? होता। तो आप मुझे बताओ, कंपनी के थ्रू जाके क्या दिखावा करने चले हो? कंपनी के बाद कॉम्प्लाइंसेज बढ़ जाएंगे, आरओसी में रिटर्न फाइल करते रहो, ये करो वो करो, डायरेक्टर का क्या कहते हैं, तो फिर उसके लिए पैसे भी तो देने पड़ेंगे। केवाईसी कराते रहो हर साल, नहीं कराओगे केवाईसी, फिर उसके बाद 5,000 रुपीज वो भी देते रहो, क्यों कराना है इतना बताओ? इतना कॉम्प्लाइंसेज क्यों करना है? कॉम्प्लाइंसेज में ही लगे रहो। बात समझ में आ रही कुछ? आप मुझे बताओ, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करनी है, मान लीजिए आपने क्या सोचा कि हमें उस बिजनेस में ना 50 लाख का इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कोई भी एक काम करना चाह रहे हो, आपको लगा कि 50 लाख की जरूरत है, और आपके पास 50 लाख है। आज तक किसी को देखा कि 50 लाख की जरूरत है किसी बिजनेस में, और 50 लाख की पैसे हो तो सीधा कंपनी से ही शुरुआत करता है? नहीं करते। बहुत सारे इंडिविजुअल को देखिएगा आज, ठीक है, कमाएगा साल का 5 लाख और रिटर्न फाइल करेगा 10 लाख का। मिला है ऐसा कोई? नहीं मिला ना? आप भी करोगे, टेंशन मत लीजिए, हाँ या ना? बैंक वाले ज्यादा चालू होते, तो बैंक वाले से कम चालू इधर थोड़े ना होते हैं। समझ में आ गया बात? जब किसी को देखिएगा 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद लोन लेने की जरूरत होगा, वो 2 साल पहले से प्लानिंग करना शुरू करते हैं। अच्छा, तू कहते हम कमाते नहीं, लो ना हम ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बाद में जाके हमारे का झमेला ज्यादा होगा। आईटीआर बाद ज्यादा करके फाइल करो, टैक्स ही तो जाएगा ना, कितना टैक्स चला जाएगा? ठीक है, 10 लाख के थोड़ा सा ऊपर टैक्स जाएगा, टैक्स देंगे, वो एक तरीके से हो जाएगा कि आने वाले टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर रहे, ताकि बैंक हमारे को आसानी से
लोन दे दे। यही काम तो बाकी लोग भी करते हैं, समझ में आ गया बात? आप और एक और भी चीज है, बैंक वगैरह के पास जाओगे तो इंडिविजुअल पे कम भरोसा करता है और कंपनी पे ज्यादा भरोसा करता है। उसका रीजन होता है क्योंकि कंपनी का एक्सीडेंट नहीं होता है, कंपनी मरता नहीं कभी, लेकिन इंडिविजुअल को अगर लोन देता है उसको पता है जा रहा है कहीं पे एक्सीडेंट हो गया चला गया, हमारे पैसे रिकवरी नहीं होगा। समझ में आ गई बात? जब लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है ना कोई बिजनेस के लिए, तो कोशिश रहता है कि बैंक वगैरह का इंडिविजुअल को ना लेके हम उस बिजनेस के नाम पे दे, ताकि वो जो होगा ना वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। उसके साथ अगर एक चला जाएगा तो कम से कम दूसरा तो रहेगा उनके पास। इसीलिए कंपनी वगैरह को जो लोन लेने की बात होती है तो बैंक वगैरह उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस देता है। उस केस में हो सकता है कुछ लोग कंपनी वगैरह बनाने की कोशिश करें, लेकिन किसी को अगर 50 लाख की ही जरूरत है और 50 लाख आपके पास कैश है और 100% अपने फंड से अगर बिजनेस करना चाह रहे हो, तो मेरा अपना रिकमेंडेशन होता है कभी भी कोई पार्टी कंपनी के नाम के थ्रू तो अपना बिजनेस शुरू नहीं करेगा, और अगर कर रहा है तो हम कह सकते हैं उसको कुछ पता ही नहीं है। एक अपना मुसीबत बढ़ा रहे, कॉम्प्लाइंसेस बढ़ा रहे, ऊपर से टैक्स बढ़ा रहे, दो चीज हो गए। हम कहते हैं आपको 50 लाख की नहीं 100 लाख की जरूरत है, लेकिन आपके जेब में 50 लाख है, अब क्या होगा बताइए? देखते हो पार्टनर ढूंढने जाते हो आप, क्यों ढूंढते हो पार्टनर? तो जल्दी करो, यहाँ पे हम यहाँ पे हवन नहीं करने के लिए सब बता रहे, क्योंकि ये सब बेसिक है। जब जो जो इंसान स्टॉक मार्केट को जुआ करते कहते हैं ना, उसको ये बेसिक पता ही नहीं, इसलिए जुआ कहते हैं वो। ये बेसिक जान लो फिर देखिएगा स्टॉक मार्केट की अहमियत क्या है। एक हम सिंपली ये कह सकते हैं, बिना स्टॉक मार्केट कंट्री चल नहीं सकता है, ये सिचुएशन हो जाएगी। आज के रेट पे जितना जीडीपी कह रहे हैं ना, 3 ट्रिलियन की है हमारे डॉलर, 3 ट्रिलियन की जीडीपी है, उसमें से मोर देन 60% का कॉन्ट्रीब्यूशन तो किसका है? वही स्टॉक मार्केट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप बोलोगे स्टॉक मार्केट कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना, आओ ना मैं लिंक करवा देता हूँ ना सारे आपको। इसीलिए स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन उस अच्छाई के अंदर कुछ बुराई है तो वो बात अलग है, लेकिन लोगों को दिखता क्या है? सिर्फ वो बुराई दिखता है, तो जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखता है, ये भी समझ जाना आप। चलो वापस आते हैं, हम कह रहे हैं 50 लाख, आपको 100 लाख का एक बिजनेस करना है। मान लीजिए आपको लगता है ना कोल्ड ड्रिंक्स बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं हम लोग, उसमें हमें 100 लाख की जरूरत है, एक प्लांट लेके आने पड़ेंगे और कुछ कुछ केमिकल को मिला के हमारा कोल्ड ड्रिंक्स बन जाता है, हमें 100 लाख की जरूरत है। इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है, ध्यान से सुनिएगा, एक बिजनेस हम कर रहे थे 50 लाख, ये हमारा बिजनेस नंबर वन था, ये हमारा बिजनेस नंबर टू है। 50 लाख की जरूरत था, हमारे पास 50 लाख था, हमने उस बिजनेस को शुरू किया। मान लीजिए वाटर प्यूरिफाई कर रहे थे, हमने बोला कि बिस्लरी को चलते हम लोग यहाँ पे कंपीट करते है ना। आपने 50 लाख का बिजनेस शुरुआत किए और इसमें आपको मान लीजिए मन रहा था कि आपको लगा कि 15% का रिटर्न तो मुझे मिल सकता है, ठीक है। आपके पास एक दूसरा चॉइस है, 100 लाख का चलो कोल्ड ड्रिंक्स का मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दो, आपको लगा कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा है, 25% का प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो दो उपाय, या तो बैंक से जाके लोन ले लो, या एक काम करो मिस्टर बी को उठा लो और उसको भी बोलो कि 50 लाख तू लगा, 50 लाख हम लगाते। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब आप इंडिविजुअल 50 लाख अपने एक बिजनेस में लगा रहे थे तो भी आप अपने पैसे पे ही कमा रहे थे, अब दो जने मिलके पैसे लगा रहे हो तब भी आप अपने पैसे पे ही कमा रहे हो। नहीं समझ आया? नहीं। आप 100 लाख का बिजनेस शुरू किए हो तो क्या 100 लाख पे कमाओगे आप? आप कितने पे कमाओगे? 50 लाख पे। आप 50 लाख पे कमाओगे, 50 लाख पे कौन कमाएगा? मिस्टर बी, आपके पार्टनर। तो फिर बोलोगे जब पार्टनर ही कमाएगा, जब हमें 50 लाख पे ही कमाना है तो हम 50 लाख का ही बिजनेस कर लेते हैं ना। सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 15% का रिटर्न मिल रहा था, यहाँ पे आपको 25 मिलेगा, आपको 25 पे सॉरी 50 लाख पे। तो हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि मिस्टर बी को भी कमाई मिलेगा तो हम मिस्टर बी को क्यों लेके आए, दिमाग लगाऊं मैं और कमाई के लेके जाए मिस्टर बी। आप सोच के देखो, ठीक है आप अपना फुल टाइम अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप उसके लिए अलग से ले लेना ना, आपका टेक्नोलॉजी होगा, आप अगर कोई चीज अगर इसमें एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा उसमें से विड्रॉ कीजिए, आप उसमें से रेमुनरेशन एक्स्ट्रा लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कभी भी कि हम 100% के मालिक है, आप 100% के मालिक नहीं हो, आप कितने का मालिक हो? 50% का, और हर कमाई पे 50% हिस्सा आपका और 50% मिस्टर बी का। लेकिन फिर भी आप मिस्टर बी को लाने को तैयार हो, बताओ क्यों? क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है और हम अपने फंड पे भी तो 25 कमाएंगे। अब आइए वापस, हम कहते हैं एक और बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब हमें 100 लाख नहीं, 100 करोड़ की जरूरत है। अब 100 करोड़ की चाह रखते हो तो जेब में 50 लाख ही तो नहीं होगा, है ना। मान लीजिए आपके जेब में 10 करोड़ है, अब क्या होगा बताइए?
90 करोड़ तो बाहर से ही लगाना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जो इंसान पैसे लगाएगा वो भी कमाना चाहेगा, वो फ्री में पैसे नहीं देगा आपको। अब एक काम करते, सोचिएगा, आप मिस्टर ए या मिस ए, आप चले गए रोड पे, खड़े हो गए एक प्रपोजल लेके कि देखो अब मैं ये बिजनेस शुरुआत करने जा रहा हूँ। मान लीजिए मैं मोबाइल मैन्युफैक्चर करना चाह रहा हूँ। आज तो मोबाइल के बिना कोई जीता नहीं, हम मोबाइल में ये फैसिलिटी देंगे, वो फैसिलिटी देंगे। मान लीजिए हमें 100 करोड़ की लागत की जरूरत है। हम एक प्रपोजल लेकर रोड पे खड़े हो जाते, चिल्लाते सबको, कहते ये रहा हमारा प्रपोजल, थोड़ा सा पैसे दे दो, हमें 90 करोड़ की जरूरत है। कौन देगा आपको पैसे? कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बताओ? अभी आप 90 करोड़ उठा लो और आप जा रहे थे, मान लीजिए आप बहुत ईमानदार हो, राजा हरिश्चंद्र निकले आप, लेकिन जा रहे थे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। आप बताओ कौन से गया राजा हरिश्चंद्र, कहाँ गया आप? नहीं देंगे इंडिविजुअल को पैसे। समझ में आ गई बात? हम कहते हैं कि इंडिविजुअल पे क्यों भरोसा करे, इसके पास फीलिंग है, कल मूड बदल सकता है। इंसान का फीलिंग हर सेकंड बदलता है। अभी मूड ईमानदारी वाले थे, कल उसका लत खराब हो जाता है, मान लीजिए ड्रग्स लेने लग जाता है, उसको पैसे की कमी होता है, सारे पैसे लेके भाग जाएगा। फीलिंग है वहां पे। हमें ऐसे बंदे जिसके साथ, जिसके पास फीलिंग, हम पैसे नहीं देते। कौन कहता है? दूसरे पब्लिक। हम कहते इस पे भरोसा नहीं करेंगे, सब बोलेंगे पागल है, कोई पैसे नहीं देगा। समझ में आ गया? इस मिस्टर ए ने बोला हमें तो कोई पैसे देने वाले नहीं है, इवन हमारे को बैंक भी पैसे देने वाले नहीं है। हम क्या करते बताओ? इन लोगों को बोलते मुझे पैसे मत दो, आप एबीसी लिमिटेड को पैसे दो, ठीक है? वो जो ये लोग जो है, ठीक है, ये लोग जो है एक्स वाई जेड जो है, वो एक्स वाई जेड क्या कहता है, ये एबीसी लिमिटेड कौन है? हम कहते हैं देखो ये एबीसी लिमिटेड एक एंटिटी बनेगा जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्निशन देगा, गवर्नमेंट इसको बोलेगा कि हाँ एक एंटिटी है। कल के डेट पे कोई भी सामान खरीदेगा उसका मालिक कौन होगा? ये होगा। और ये एक ऐसा मालिक होगा जो किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करेगा, कभी ये नहीं बोलेगा कि ये हमारा पेरेंट्स है, ये हमें एक जन्म दिया है तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा फेवर करते हैं और तू तो बाहर वाले, तुम पे फेवर नहीं करूंगा। हो सकता है एक पेरेंट्स दो बच्चे के साथ पार्शलिटी कर सकता हो, लेकिन एबीसी लिमिटेड फीलिंग लेस होने की वजह से किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करेगा। और ये काम कैसे करेगा, ये अपना भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको दे के रखता है। बोलोगे कैसे काम करेगा, ये कैसे पता है? ये काम कैसे करता है, ये आपके सामने पहले से अवेलेबल है कंपनीज एक्ट के तहत। एक्ट जो बना हुआ है वो ये कहता है कि देखो ये एंटिटी, मैं ऐसे काम करूंगा, आप पढ़ लो कि मैं कहीं पे भी किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता, ठीक है जी? तो इसीलिए इस पे भरोसा करो, आप मेरे पे भरोसा मत करो। मान लीजिए मैं जा रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके पैसे सुरक्षित है, सारे कहां रखा हुआ है? एबीसी लिमिटेड में। एबीसी लिमिटेड को पैसे देने में लोगों को क्या है, भरोसा थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल। फिर एक्स वाई जेड ने बोला चलो ठीक है, लोगों को क्या लगा कि अच्छा हाँ इसमें पैसे लगाओगे ना तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है। उनको लगा कि मैं तो इसमें 35% का मार्जिन से मैं कमा सकता हूं। लोगों ने क्या सोचा, चलो इनको देने को तैयार है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, देखो ये जो मिस्टर एक्स था ना, मिस्टर एक्स को क्या लग रहा था कि मेरे पास जो पैसे हैं सरप्लस तो हैं। मान लीजिए इसके पास 5 लाख रुपए था, कहता था चलो कि मैं भी अपने इस 90 करोड़ में से 5 लाख मैं भी अपना लगा देता हूं, लेकिन इनके पास सरप्लस जो है सिर्फ 1 ईयर के लिए। क्या लगता है ये बिजनेस 1 साल चलेगा? कल के डेट पे जब ये प्लांट खरीदेगा तो क्या लगता है, ये जब प्लांट खरीद लेगा तो प्लांट को बेच के पैसे वापस करेंगे? सोचने वाली बात है, सोचो जल्दी से। आप ऐसे सोचो, 100 करोड़ आ गए, 100 करोड़ का एक कोई मशीन खरीद लिया, प्लांट खरीद लिया, ये जब आप मान लीजिए 1 महीने 1 साल के बाद सब लोगों को पैसे की जरूरत आ जाए, कहां से वापस करेगा एबीसी लिमिटेड, बता सकते हो? बताओ? नहीं पता। उतना ही नहीं, ये जो एक्स वाई जेड जो है, ये एक्स वाई जेड को मिलेगा कहां? ए मिस्टर ए जिसने इनिशिएशन कर रहा है, ये एक्स वाई जेड को ढूंढेगा कहां? रोड पे जाके चिल्ला के ढूंढेगा इसको? कहां ढूंढेगा बताओ? प्रपोजल लेके हम रोड पे बैठे रहे, कहां जाऊं? एक प्लेटफॉर्म तो मिले ना। आप देखते हो आज के रेट पे पुराना सामान खरीदना बेचना कितना आसान हो गया। जब तक ओएलएक्स नहीं था सोचो क्या बिकता था या नहीं बिकता था? बिकता था, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले प्रॉब्लम ज्यादा होता था, आज के रेट पे प्रॉब्लम थोड़ा सा कम होता है। कभी यूज किया? नहीं किया? किया है? नहीं किया तो करके देखो, बढ़िया है, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और आज के रेट पे वो भी पैसे खूब कमाता है। कैसे बताओ, कैसे कमाता है ओएलएक्स वाले? जैसे मैंने वहां पे कार बेचा है तो मुझे मालूम है, मैं अपने वाले जो फर्स्ट i10 था वहीं से बेचा है मैंने, ठीक है जी? तो उसमें क्या होगा, आप जब ऐड डालने जाओगे ना तो 5-10 मिनट के अंदर वो आपका ऐड जो होगा ना छुप जाएगा, वो इतना पीछे चला जाएगा ना कि लोग को
पांचवें छठे पेज पे दिखता है, तो कहते हैं अच्छा फर्स्ट पेज पे लाना है, 100 रुपये दे दो, 100 रुपये तो आपका ऐड जो होगा ना फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। आप बोलोगे अच्छा चलो एक काम करते, पुराना ऐड डिलीट कर देता हूँ और फिर नया ऐड डालूंगा तो फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। दो बार ऐसे करोगे ब्लॉक कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा आपको, बोलते हैं कि सेम ऐड दो बार डाल रहे हो आप, ठीक है मेरे 100 रुपये गवा रहे हो आप, वो आपको ब्लॉक करेगा, उस फिर आईडी से नहीं चलेगा, फिर आपको दूसरा आईडी डालना पड़ेगा। बोलो कैसे पता है, मैंने किया था ऐसा। आज भी मेरा एक आईडी जो है वो एलेक्स पे ब्लॉक है, आज भी जाता हूँ करने तो कहते हो आईडी ब्लॉक है, चलो वापस आते। इसका मतलब ये हो गया कि वो एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया, जिससे क्या फायदा हो गया, बेचने वाले भी अपना ऑर्डर मतलब अपना सामान वहां पे पिक्चर डालते हैं, खरीदने वाले वहां जाके देखते हैं, दोनों मिलते हैं अपना ट्रेड करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही ये जो अब इन लोगों से जो मिलना है, इन लोगों से मिलने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म हमें कौन मिला बताइए, एक्सचेंज। ये देखो यही पे हमने बनाने की कोशिश की, ये देखो एक्सचेंज, इधर देखो ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है कंपनी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 10 करोड़ शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच हर एक शेयर के लिए। अब शेयर कहां से आया, अब ये देखो अब यहां पे क्या कर रहे हैं, अब ये अब कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना छोटे छोटे पैसे लगाना चाहेगा, मान लीजिए आपने बोला 5 लाख दूंगा, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने 5 लाख दिया बताओ। अब कंपनी तो क्या है, कंपनी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो फीलिंगलेस एंटिटी है, हाँ या ना, क्या आपको लगता है कि इसके पास फीलिंग है, एबीसी के पास नहीं है ना, पेरेंट्स के दो बेटे हैं, देखिएगा छोटे को ज्यादा प्रेफर करते हैं पेरेंट्स, हाँ या ना, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, बताइए क्यों, आप ही बताओ क्यों करना चाहिए, क्योंकि बड़े मान लीजिए 5 साल बड़े हैं या 10 साल बड़े हैं, जो भी है आप मुझे बताओ, उतने दिन का उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उतने दिन उन्होंने ज्यादा काम किया होगा, ज्यादा अर्निंग करके उतना एक्युमुलेट कर रखा है, उसके कंपैरिजन में वो अभी नवसिखुआ कहते हैं वो है, तो आप मुझे बताइए वैसे भी तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए ना। हाँ अगर आपको लगता है नहीं छोटे जो है ज्यादा कामयाब हो गए हैं और बड़े थोड़ा कम, तो देखना कहीं ना कहीं पेरेंट्स का झुकाव किसकी तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि वो अभी भी दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहता है, क्योंकि वहां फीलिंग है, यहां कहते हैं कोई फीलिंग नहीं है, समझ में आ गई बात। तो अब रहा सवाल कि इनको पैसे देगा, अब कल के डेट पे पैसे दिया नहीं दिया इसका प्रूफ कैसे है, उस प्रूफ के लिए क्या करता है, हर एक पैसे के लिए आपको एक कागज के टुकड़े देंगे, जैसे आप देखते हो आप एक करेंसी का नोट लेके घूमते हो और वो कहते हैं ये हमारा पैसे है, बताओ ऐसे गांधी जी किसी दूसरे पेपर पे लगा दे तो वो पैसे क्यों नहीं है बताओ, सेम सकल सूरत मिलता जुलता कागज के टुकड़े आते, कहते हो ये फेक नोट है, क्यों कहते हो फेक नोट है बताओ, ऐसे तो सेम दिखता है, बताओ जल्दी से नोट्स में क्या डिफरेंस होते हैं जो आपको किसी पे भरोसा करते हो किसी पे भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि हाँ 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 बोलो 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 जल्दी से, उस पर कुछ लिखा होता है पता है, वो जो कागज के टुकड़े पे भरोसा इसलिए है क्योंकि उस पर अंडरटेकिंग दिया गया है, मैं धारक को समथिंग रुपीज अदा करने का वचन देता हूं, जो वचन है ना उस कागज के टुकड़े का भरोसा बढ़ाता है, भरोसा क्या बढ़ाता है, हाँ जी लीगल टेंडर है बिल्कुल सही कह सकते हो, लेकिन और वहां पे मान लीजिए गवर्नर का साइन किया हुआ है, फेक नोट पे जिसने साइन किया है ना वो इंसान ही फेक है, तो उस पे उसका जो अंडरटेकिंग है सही कैसे, समझ में आ गया बात। एग्जैक्टली वैसे ही एक कागज के टुकड़े लिख के देगा, कौन लिख के देगा आपको, एबीसी लिमिटेड बोलेगा कि हाँ आपने मुझे पैसे दिया है, वो कागज के टुकड़े अगर मालिकाना हक को बताता हो तो उसी का नामकरण किया हम लोगों ने क्या बताइए, इक्विटी शेयर, जैसे करेंसी है वैसे इक्विटी शेयर है, ये क्या है इस पे कुछ आपको लिख के दे दिया, बोलते ये रहा आपका 10 रुपये मैंने लिया आपसे, उसने 10 रुपये लेके आपको एक कागज के टुकड़े दे दिया और इस पे साइन किया, किसने साइन किया, एबीसी ने, बोलोगे एबीसी को साइन कैसे करने आएगा, कॉमन सील, ठीक है पहले फिजिकल फॉर्म में होता था तो कॉमन सील लगते थे, आज के डेट पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास है, NSDL CDSL के पास, जो हमारा डिपॉजिटरी है जो शेयर का डिटेल जो मेंटेन करता है, ठीक है। अब आइए वापस, अब इस एबीसी लिमिटेड को पैसे चाहिए 90 करोड़, या तो 90 करोड़ में 100% क्या इक्विटी से फंड रेज कर ले, अगर ऐसा होगा तो ये जो मिस्टर ए है ना ये अपने आप को अनसिक्योर महसूस करेगा, कैसे बताइए, कितने पैसे लेके दे रहे हैं, तो जल्दी बोलते भी रहिए, हिसाब मैंने कोई ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिसाब नहीं किया है, मैंने 10 करोड़ मिस्टर ए को देना है, 90 करोड़ कौन देगा, XYZ PQRS जो भी है, अब मुझे बताइए कल के डेट पे मालिक सब है, एबीसी के लिए सब इक्वल है, अब मुझे बताओ एबीसी का डिसीजन कौन लेगा, सब मिलके हमारा हमारा वोटिंग कितना होगा इसमें, 10%, 90% वोटिंग अलग लोगों का, हमारा तो बात ही नहीं चलेगा उसमें, पता चला कल के डेट पे हम ही निकल गए उस कंपनी से,
इसीलिए अपना कंट्रोल बना के रखना चाहता है। अब कंट्रोल कैसे बनेगा, ज़्यादा मालिक बनाएंगे हमारा कंट्रोल वीक हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, चलो एक काम करते, 50% हम रखते अपने मालिक का फंड और 50% रख लेते फिक्स्ड इनकम वाले, सर फिक्स्ड एक्सपेंस वाले, लोन ले लेते बैंक से। अगर मैं 50 करोड़ मालिक का रखूंगा तो मेरा उस 50 करोड़ में 10 करोड़ रहेगा, इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया बताइए, मेरा हिस्सा 20% का हो जाएगा। अभी भी लगता है कि कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है तो 50% वोटिंग पहुंचाना है, इसका मतलब 30% लोग को अभी भी हमारे को 30% को फेवर में लाना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं। ऐसा होगा तो या तो फिर अपना फंडिंग क्या कर लो, बढ़ा लो, या एक काम कर सकते हो मिस्टर बी को बुला लो जो आपके अपने हैं, उनको भी बोलो 10 करोड़ आप भी लगा लो। क्या हो गया बताइए, 20 करोड़, 50 करोड़ में 20 करोड़ आपका अपना आ गया, कितने परसेंट हिस्सा हो गया बताइए, 40%। अब बस 10% लोगों को अगर पटा ले तो कंपनी में हम जो चाहेंगे वही होगा। आज के रेट पे देखते हो रिलायंस सीधा बोला जाता है किसका है, मुकेश अंबानी का, लेकिन मुकेश अंबानी का 50% है, लेकिन फिर भी वो जो चाहेगा वही होगा। क्यों होगा बताइए, क्योंकि उसका हिस्सा कितना है, 50%। वो जो चाहेगा वही डिसीजन लेगा, वो बोलेगा ये होगा तो यही होगा, 50% का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अकेला वो डिसीजन लेने के लिए काफी है। अब आइए वापस, अब यहाँ पे जो लोग दे रहे उस सबको एक सर्टिफिकेट मिल गए, हमने यही यहाँ पे किया। देखो मिस्टर ए ने पैसे लगाए, मिस्टर बी ने पैसे लगाए, मिस्टर सी ने पैसे लगाए, सब ने दिया, 10-10 रुपए दिया, हर एक शेयर के लिए इक्विटी शेयर मिल गया, दिख रहे आपको, दिख गए ठीक है। यहाँ पे अब ये जो एबीसी था, वो एबीसी को इन्फॉर्मेशन कौन देता है कि ये कंपनी पैसे रेज करने जा रहे हैं, एक्सचेंज, मैंने बोला ना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म कौन है हमारे लिए, NSE BSE। फर्स्ट टाइम कंपनी जो डील करता है पब्लिक के साथ उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेगमेंट, ये जो होते हैं ना इसको प्राइमरी सेगमेंट बोलते हैं, एक्सचेंज वही है जिसको हम क्या कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ के लिए आज के रेट पे ब्रोकर को साइड कर दिया है, आईपीओ के लिए ब्रोकर को बीच में अलाउ नहीं किया था, अभी भी जो कर रहा है ना वो डायरेक्टली फंड जो होते हैं वो अपने अकाउंट से नहीं लेता है। बात समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए आपको एबीसी को पैसे दे रहे हो ठीक है जी, बस 2-4 मिनट और, ये रहा एबीसी, एबीसी लिमिटेड हमने बनाया ना, एबीसी लिमिटेड में अगर फर्स्ट टाइम, ध्यान से सुनिएगा मैं कह रहा हूं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी फर्स्ट टाइम जब पैसे देते हैं ना कंपनी को, तो ये जो एक्सचेंज तो बीच में होता ही होता है, एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जिसने मिलवाया, किसको मिलवाया, अभी एबीसी लिमिटेड को इस पब्लिक से मिलवाया, मिलवाने का काम कौन किया, मिलन कराता है कौन, एक्सचेंज, इसने मिलन करा दिया। अब ये मिलन जो कराता है एबीसी को, उसके बीच में भी एक और है, डायरेक्टली डील करता नहीं एनएससी कभी एबीसी से, अभी आपको बताया मैंने एनएससी है ये, एनएससी क्या डायरेक्टली एबीसी से डील करता है, नहीं करता है, वो किसके साथ डील करता है, वो बीच में एजेंट बैठा हुआ है, एजेंट के थ्रू मिलकर करते हैं। एजेंट को क्या बोला कि देखो पहले बार जो कंपनी पैसे लेते हैं ना उसके लिए तुम्हारे को राइट नहीं दूंगा, जा। बोलोगे क्यों नहीं दूंगा, इन लोगों ने क्या करना शुरू किया देखिएगा, आईपीओ का थोड़ा सिस्टम अलग होता है, क्या होता है देखिए, इसमें इसको मान लीजिए 50 करोड़ फंड रेज करना था है ना, अब यहाँ पे 1,5,000 करोड़ का एप्लीकेशन आ गया, अब क्या होगा बताओ, 50 करोड़ को मिलेगा और 4,950 का क्या होगा वहां पे वापस जाएगा, कह सकते हैं हम लोग वापस फंड हो जाएगा। ब्रोकर लोगों ने क्या किया, सबके एप्लीकेशन लेते थे, पैसे ना होते हुए भी एप्लीकेशन डाल देते थे, और एबीसी को कहता था कि तू मुझे इंटरेस्ट दे दे, नहीं समझे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 करोड़ का एप्लीकेशन डाला, ब्रोकर ने क्या बोला, पैसे मत दे, क्योंकि उनको भी मालूम है सारे पैसे तो वापस आना ही है, नहीं समझे बात, और वो कहते हमने आपका फंडिंग कर दिया, किसने बोला, ब्रोकर ने बोला हमने फंडिंग कर दिया, और वो पैसे तो गए ही नहीं किसकी कंपनी के पास, तो तब जाता है जब अलॉटमेंट में, आईपीओ का एक पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है, पहले आपको बोला जाता है आप अपना इंटरेस्ट दिखाओ कितना खरीदना चाहते हो, पहले एप्लीकेशन आता है, फिर उसके बाद टाइम होते हैं 6-7 दिन का, उस टाइम के अंदर फिर वो एप्लीकेशन देखते हैं कितने लोगों को मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, जिस जिसको नहीं मिलेगा पैसे वापस करेंगे, जिसको होगा रखेंगे। तो पैसे क्या होता है कि ब्रोकर के पास ही रह जाता था, ब्रोकर के पास पैसे है नहीं और वो लोगों को कहता था कि मैंने आपको फंडिंग कर दिया और उसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, ये प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा होने लग गया, तो क्या कर दिया एक्सचेंज ने और सेबी ने मिलकर बोला कि तू मैं परमिशन ही नहीं देता, जा तू कहते बैंक आ जा, बैंक में तो लोगों के पास पैसे होंगे ना, अब क्या होगा जब अप्लाई करोगे आप, जब अप्लाई करोगे, 5 मिनट टाइम है तो मैं दिखा दूं, फिर जब आप अप्लाई करने जाओगे
तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास बैंक में पैसे हैं, पैसे बैंक में ही रहेगा तब तक जब तक अलॉटमेंट ना हो जाता। अलॉटमेंट नहीं होगा तो पैसे आपका क्या हो जाएगा, बैंक में ही था, बैंक में ही है। तो कम से कम इंटरेस्ट खाने वाले काम जो करते थे ना वो ब्रोकर, वो फर्जी फंडिंग करता था आप लोगों का, ठीक है, तो वो सारा क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा। तो आज के रेट पे आईपीओ में अप्लाई करना है, दीज डेज बैंक्स आर ऑथराइज्ड फॉर आईपीओ। तो कुछ लोग बोलेंगे अभी जीरोधा भी अलाउ करता है, जीरोधा अलाउ करता है लेकिन जीरोधा वाले अपना फंड यूज नहीं करता है। याद रखिएगा, आज अगर जीरोधा के थ्रू वगैरह आईपीओ में अप्लाई करोगे तो जो आपने जीरोधा में पैसे रखे होंगे ना वो पैसे यूटिलाइज नहीं होता है, वो आपको यूपीआई के थ्रू करता है। वो आपको यूपीआई के थ्रू क्या करता है, फंड बोलते हैं। अब यूपीआई किससे लिंक है बताओ, बैंक से। पैसे आपके बैंक में ही रहेगा, होल्ड रहेगा, वो उसमें जाता ही नहीं है, कहां पे, जीरोधा में। तो यूपीआई के थ्रू जो अलाउ किया है ना, अभी भी जीरोधा वाले का फंड नहीं जा रहा है, आपके बैंक वाले फंड ब्लॉक हो जाता है और अभी भी बैंक में ही रहता है। अगर अलॉटमेंट मिल गया तो बैंक से डिडक्ट हो जाएगा, अगर नहीं अलॉटमेंट हुआ तो आपका डिडक्ट नहीं होगा। और उससे पहले क्या करता है, यूपीआई में जिस यूपीआई के थ्रू करोगे उसमें मैंडेट करने का ऑप्शन आ जाता है आपका, ठीक है। जब कभी ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा, या भी कोई आईपीओ होगा तो मैं अगले क्लास में आपको देख लूंगा, वो मिल जाएगा। कोई आईपीओ अगर आ रहा होगा ना तो जब वहां पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे किस किस का आईपीओ, तो चलो हम अगले दिन देख लेंगे। यही बोल रहा है, उसके लिए आपको एएसबीए के लिए आपको रजिस्टर करवाता है बैंक वाले, प्रोवाइड डीपीआईडी, हम अपना डीपीआईडी देते हैं उसको, किसको, बैंक को। यहाँ देखो बैंक अलाउ करता है, बैंक में हमें डीपीआईडी देना होता है। डीपी कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आप डीपी डीमैट अकाउंट को उसमें लिंक कर दीजिए, जब आप अप्लाई करने जाओगे ना तो बोलेगा बताओ कौन सी अकाउंट में चाहते हो शेयर, क्योंकि आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट उसमें नहीं है ना, डीमैट अकाउंट तो बैंक में नहीं है, लेकिन अलाउ कहां से, आईपीओ कहां से डाल रहे हो आप, बैंक से। तो कैसे पॉसिबल, आप बोलोगे कौन सी बैंक, वो बैंक ऑथराइज होता है पहले आईपीओ के टाइम पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिएगा, बैंक में जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करने जाओगे तो आपसे पूछेगा डीमैट अकाउंट बताओ पहले, डीमैट अकाउंट नंबर। आपने जीरोधा का डीमैट अकाउंट दे दिया तो क्या होगा, देखिएगा, वो पैसे रहेगा अकाउंट में और जब आपको ये कंपनी शेयर दे देंगे उसके बाद वो पैसे उधर चला जाएगा और जो शेयर आएगा ना वो कहाँ आएगा, जीरोधा के डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा आपका। बात समझ में आ गई। तो ये पूरे आईपीओ का प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं प्राइमरी सेगमेंट, ठीक है जी। प्राइमरी सेगमेंट से पैसे रेज कर लिया किसने, कंपनी ने। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सेगमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट वेयर जनरल पब्लिक इन्वेस्ट फंड इन कंपनी थ्रू आईपीओ, ठीक है। अब ये तो कंपनी के पास फंड आ गए इनिशियल लेवल पे, अब उसके बाद क्या होगा सोचिएगा थोड़ा ध्यान से। ये क्या एबीसी सारे मालिक बन गए कंपनी का, बन गए कंपनी का मालिक, बिजनेस शुरू हो गए, इसने अपना प्लांट मशीन वगैरह खरीद लिए, 100 करोड़ रुपये इन्वेस्ट हो गया। याद रखिएगा, ये चाह के भी पैसे वापस नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है बताइए, क्योंकि हम मशीन बेच के उसको पैसे वापस नहीं करेंगे, और ये जो 100 करोड़ है वो 100 करोड़ इमीडिएट हमारा रियलाइज नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब क्या होगा बताइए, कंपनी अपना बिजनेस रन करेगा, मान लीजिए 3 महीने कंपनी का बिजनेस रन हो गया, अब उसके बाद क्या होता है उस पर हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।